بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. आप सब लोग उम्मीद है खैरियत और आफियत के साथ होंगे। الحمد لله سر، आप सुनाएं कैसे हैं؟ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। और आज हम अपने इस कोर्स का आखिरी सफर शुरू करने जा रहे हैं, राइट। पहला पारा जो है वो हमारा मुकम्मल होने को है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा हो, दिल में खुशी के जज्बात होने चाहिए। और आपको याद होगा शुरू में एक बात की गई थी कि इसको साथ साथ हिफ्स करते रहें, तो उम्मीद है वो कोशिश भी आप लोगों की जारी होगी। जी अल्लाह ताला आसानियां अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, 20वां सफा शुरू कर रहे हैं हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और हम 6:20 पर ब्रेक ले लेंगे मगरिब के लिए। टाइम क्योंकि शुरू हो जाता है तकरीबन 6:15 तक, हम 6:20 तक जो है वो ब्रेक कर लेंगे नमाज, कि हम बाजमात पढ़ने वाले बाजमात पढ़ सकें। तो बगैर किसी मजीद ताखीर के आइए शुरू करते हैं सफा नंबर 20 इशारा 1। जी सिस्टर जूनी। सर, ये मैंने ग्रुप में एक सवाल पूछा था तो मुझे जवाब नहीं आया। मैं ये कुरान मजीद पढ़ रही थी तो उसमें आया था बदीउ समावाती वल अर्ध, यानी जी नए सिरे से पैदा करना अल्लाह ताला आसमान और जमीन का। तो ये पूछना था, ये ताल्लुक की जोड़ी में आएगा? बिल्कुल, ताल्लुक की जोड़ी आएगा, बदी जी उस समावात ताल्लुक की जोड़ी बन रही है। तो ओके, जजाकल्लाह। इब्तिदा हमने की थी QC2 से, पहले 5 सफात QC2 में पढ़े थे, फिर QC3 में दूसरे 5 सफात, फिर QC3, 4, और अब QC5 है। और हम आखिरी सफा 20वां सफा शुरू कर रहे हैं जिसको हम अपने अंगूठे पर पॉइंटर्स याद कर रहे हैं। 20वें सफे के 4 इशारात हैं जी। हो जाओ यहूदो नसारा, अगर वो ईमान लाए तुम जैसा तो अल्लाह के बारे में झगड़ा, बड़ा जालिम जो शहादत छुपाए। हो जाओ यहूदो नसारा, अगर वो ईमान लाए तुम जैसा तो अल्लाह के बारे में झगड़ा, बड़ा जालिम जो शहादत छुपाए। मुख्तसर इशारे होंगे, यहूदो नसारा, ईमान, झगड़ा, बड़ा जालिम। यहूदो नसारा, ईमान, झगड़ा, बड़ा जालिम। तो हो जाओ यहूदो नसारा। गुज़श्ता आयतों में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया था कि हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माईल और याकूब अलैहिस्सलाम वगैरह, ये सब के सब इस्लाम की पैरवी करने वाले थे। तो यहाँ उसी बात को बयान किया जा रहा है कि हमें भी इस्लाम ही की पैरवी करनी चाहिए, ना कि हम किसी और को देख कर उसके पीछे चल पड़े। बल्कि यहूदो नसारा भी अगर बात करते हैं तो यहूदो नसारा को भी जवाब दिया जाए कि हम तो मिल्लत इब्राहिम पर हैं, यानी इस्लाम पर हैं। असबाब हमारे लिए इन आयात में क्या हैं? अगर यहूद व नसारा अपने मजहब को कबूल करने की दावत दें तो उनको बताएं कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा, वो सच्चे और यकसू मुसलमान थे। हम कुरान पर और कुरान में बयान की गई तमाम बातों पर ईमान रखते हैं, तमाम नबियों और रसूलों पर ईमान लाते हैं, और उनमें से किसी के दरमियान कोई फर्क नहीं करते एज ए नबी और रसूल के, यानी तमाम अंबिया और तमाम रसूल जो हैं वो आपस में, जो उनके दरमियान कोई दर्जों में हम किसी किस्म की कोई खास तफरीक नहीं करते। बाकी जो दूसरी जगहों पर अल्लाह ने फरमाया कि हमने बाज को बाज पर फजीलत दी, तो वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। वो जब हम वहाँ आएंगे तो इंशाल्लाह उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। 3 नए अल्फाज सिर्फ हमें मिलेंगे, बाकी सारे अल्फाज हमने पढ़ रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई करना चाहेंगे तर्जुमा 3 नए अल्फाज को छोड़कर? हाथ खड़ा करके बताइए जरा जल्दी से। सर, जी सिस्टर शगुफ्ता, पहली आयत का तर्जुमा कीजिए। वालेकुम वकालू, सलाम। और उन्होंने कहा कूनू हो जाओ हुदन और नसारा, यहूदी या नसारा,
तहतदू ताकि तुम पाओ, हिदायत पाओ। कुल बल मिल्लत इब्राहिम, उसने कहा बल क्यों कुल नहीं, कुल है, आप कह दें। जी कुल कह दो, जी कुल कह दो बल मिल्लत इब्राहिम, बल्कि दीने इब्राहिम हनीफा, बल्कि हनीफ यकसू होने को कहते हैं। एक अल्लाह के हो जाने को, एक अल्लाह के हो जाने को, यकसू होने को। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और जो थे नहीं, जो थे या जो नहीं थे। न, और वमा काना, और वो, और जो नहीं थे मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से। जी नहीं, जो नहीं है ना, यहाँ माँ का तर्जमा नहीं है, और नहीं थे वो मुशरिकों में से। और जी सर, और नहीं थे वो मुशरिकों में से। जजाकुम अल्लाह, एक्सीलेंट, माशाल्लाह जी। डॉक्टर इफ़त, असबात तक तर्जमा कर लीजिए आप, वल असबात ही तक। फिर जी अऊज़ु बिल्लाहि इह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कूलू कह दो, आमन्ना बिल्लाही, हम ईमान लाए अल्लाह पर, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया, इलैना हमारी तरफ, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया, इला इब्राहिमा इब्राहिम की तरफ अलैहिस्सलाम की तरफ, व इस्माइला और इस्माइल, व इसहाक और इसहाक, व याकूब और याकूब, व असबाती और उलादे याकूब की तरफ, औलादे आप, वमा और जजाकुम। जो। चलें सिस्टर जूनी, बाकी हिसाब कर लें। आपका भी हैंड रेज हुआ हुआ है, तर्जुमा करने के लिए है या ये वो पहले वाला है? तर्जमा तर्जमा कर, जी 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 कीजिए। वमा और जो ऊती दिया गया मूसा व ईसा, मूसा और ईसा को, वमा और जो ऊती दिया गया नबी यूना नबियों को, मैं रब बिहिम उनके रब की तरफ से, ला नुफर को नहीं वो तफरीक करते, बईना वो दरमियान या हम, आहदिन एक सेकेंड, ला नुफर्रिकु का तर्जुमा नहीं तफरीक करते या फर्क करते, कौन? यानी ये जो मुसलमानों के मुतालिक कहा जा नहीं रहा है नहीं कौन कि कौन फर्क नहीं यहूदियों। करते? वो फर्क नहीं करते, हम फर्क नहीं करते, आप फर्क नहीं करते। ला लानु नुफर्रिकु, फर्क, हम फर्क नहीं करते सर, हाँ हम फर्क नून नहीं साथ, करते। हम फर्क नहीं करते। बैना दरमियान आहदिन किसी एक के, मिन हम उनमें से, वह नहनु और हम ही लहू उसके लिए, मुस्लिमून फरमा बरदार हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तो तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ साथ चल रहा है। तो तीन नए अल्फाज जो इसमें हमें नज़र आ रहे हैं, कि हनीफन और असबाती और ऊतिया। तो सर एक लफ्ज़ सवाल लफ्ज़, कर सर जी एक जी सवाल करना है, जहां जहां पे वमा आया है तो जी इसकी कोई खासियत है कि कहीं जहां पर हम कहीं पे जो इस्तेमाल करते हैं माँ का, और कहीं पे नहीं करते हैं, या हमें खुद कॉन्टेक्स्ट से समझना पड़ता है, या इसकी कॉन्टेक्स्ट, कोई कॉन्टेक्स्ट? ये कॉन्टेक्स्ट ही से पता चलेगा। ऐसा नहीं सर कि स्टार्ट में माँ आए तो जो हो, और बीच में नहीं अगर जुमले के बीच में माँ आए तो नहीं, ऐसा नहीं है नहीं सर। ऐसा 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 हमेशा नहीं होता, ऐसा हमेशा नहीं होता। जी ओके सर, क्योंकि आप देखें ना, मा काना मिनल मुशरिकीन में अगर जो का तर्जुमा करेंगे तो जो थे मुशरिकों में से, तो जी हालांकि ऐसा नहीं है, तो सारा तर्जुमा गलत हो जाएगा। बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, बल्कि मिल्लत इब्राहिम जो कि यकसू थे, वो मा काना मिनल मुशरिकीन और जो थे मुशरिकों में से, बिल्कुल जी स्टेटमेंट गलत हो बदल जाएगा, जाएगा, बदल जी जाएगा, सही गलत है, हो ठीक जाएगा। है और सर, नीचे आया है वमा उन्जिला इला इब्राहिमा, यहाँ पर माँ का तर्जुमा अगर नहीं करेंगे तो भी बदल जाएगा। आमन्ना बिल्ला, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, और जो हम पर नाजिल किया गया और नहीं नाजिल किया गया इब्राहिम की तरफ, यहाँ भी तर्जुमा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट ही से हमें अंदाजा होता रहेगा कि यहाँ माँ का तर्जुमा जो के साथ किया जाए या नहीं के साथ किया जाए। ठीक है जी, जी लफ्ज़ बलफ़्ज़ ठीक तर्जमा देख लें। वकालू, और उन्होंने कहा, कूनू तुम सब हो जाओ, हूदन यहूदी अव नसारा या नसरानी, तहतदू तुम हिदायत पालोगे। अब ये यहाँ पर तहतदू तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, इहतदा यह तदी का जो हमने टेबल किया था उसमें आया था यह तदी यह तदूना, तहतदी अहतदी तहतदूना और नहतदी, ये तहतदू किधर से आया? नून हजफ हो गया अऊ की वजह से, नून हजफ हो गया, बिल्कुल तहतदू दुरुस्त कहा, पहचाना दुरुस्त है कि नून हजफ हुआ है। अब ये क्यों हजफ हुआ है?
इसको हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद नमाज पढ़ के आएंगे तो फिर इसको डिस्कस करेंगे जब आयात दोनों कंप्लीट कर लेंगे। अभी तर्जुमा सिर्फ लफ्जी देख लेते हैं। यहाँ तक ठीक है कि नून हजफ हुआ हुआ है, असल में ये तहतदूना था। अब नून हजफ होने की दो सूरतें हैं, या तो वो उससे उस पर छुरी वाला अमल हुआ है या हथौड़े वाला। तो छुरी है या हथौड़ी तो नमाज के बाद डिस्कस करते हैं। कुल आप कह दीजिए, बल मिल्लत इब्राहिम, बल्कि मिल्लत इब्राहिम, मिल्लत इब्राहिम की या दीन इब्राहिम की हनीफन, एक अल्लाह के हो जाने वाले। यहाँ पर भी एक सवाल छोड़ रहा हूँ, मिल्लत नसब की हालत में आ रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? ब्रेक पर जाएंगे तो अपना नमाज से फ्री होकर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि मिल्लत जो है वो नसब की हालत में क्यों आ रहा है, मिल्लतु मिल्लती क्यों नहीं है। वमा और नहीं थे वो, वमा काना और नहीं थे वो मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से। तो आज भी आप देखेंगे कि नसारा अपने मजहब की दावत देने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो असल में ये काम तो हमें करना चाहिए था कि उनको सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम की तरफ हम दावत देते हैं। आज से नियत करें कि हम भी उनको सही तरीके से मजहब इस्लाम, दीन इस्लाम को समझ कर फिर उसकी तरफ हम बाकी जो दीन इस्लाम पर नहीं है हमारे आसपास पाए जाते हैं हम उनको दुरुस्त और सही रास्ते की दावत जरूर देंगे इंशाल्लाह। हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल देना चाहिए जो ना यहूदी थे और ना ही नसरानी, बल्कि वो एक सच्चे मुस्लिम थे। हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और दीगर तमाम अम्बिया की पैरवी करते हैं, क्योंकि तमाम नबियों के पास अल्लाह ने जो पैगाम भेजा वो एक ही था। और ये एक बहुत ही सादा और आसान सी समझ में आने वाली बात है। जो शख्स किसी पर ईमान रखता हो, किसी एक पैगाम पर ईमान रखता हो, तो उसे दूसरे नबी के पैगाम से कोई इख्तिलाफ नहीं होगा, क्योंकि तमाम अंबिया का पैगाम एक ही था, अल्लाह की तौहीद, नबूवत और रिसालत और आखिरत का यकीन। ये बेस थी तमाम नबियों की दावत की, बुनियाद थी। ये तीन चीजें थी जिनकी तरफ हर नबी ने आकर दावत दी है। तो अल्लाह ने हर कौम में नबी को भेजा है, हर दौर के अंदर जो है वो अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अम्बिया को भेजा है। इस आयत को पढ़ें तर्जुमा के साथ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वकालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू, और उन्होंने कहा हो जाओ तुम सब यहूदी या नसरानी, तुम हिदायत पालोगे। قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, कह दीजिए बल्कि दीन इब्राहिम की एक अल्लाह के हो जाने वाले। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और नहीं थे वो मुशरिकों में से। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली आयत मुकम्मल कर ली हमने। दूसरी आयत के लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जमा को देखिए। कुलू, कह दो, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, वमा उन्जिला, और जो नाजिल किया गया, इलैना, हमारी तरफ, वमा उन्जिला, और जो नाजिल किया गया, इला इब्राहिमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ, व इस्माइला, और इस्माइल अलैहिस्सलाम, व इसहाका, और इसहाक अलैहिस्सलाम, व याकूबा, और याकूब अलैहिस्सलाम, वल असबाती, और औलाद याकूब की तरफ। असबात से कहकर गोया बता दिया कि याकूब अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन तमाम नबी, अक्सर जो है वो स्कॉलर्स के राय के मुताबिक मेजोरिटी की राय यही है कि याकूब अलैहिस्सलाम के बाद फिर यूसुफ, और फिर उससे आगे जितने भी अम्बिया आए हैं ईसा अलैहिस्सलाम तक, वो सारे के सारे औलाद याकूब में से थे। तो इसलिए असबात का तर्जुमा औलाद याकूब खास तौर पर कर दिया जाता है। अदरवाइज देखा जाए तो सिब्त और असबात जो है वो औलाद को या नस्ल को कहा जाता है। तो कुलू से अल्लाह ताला हमें याद दिला रहा है कि दूसरों को इस्लाम की तरफ बुलाना है, दावत देनी है, जैसा कि इस आयत में बयान किया गया है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पैगाम को हर मुमकिन तरीक़े से दूसरों तक पहुंचाएं। अब इसे कबूल करना है या नहीं करना, ये उनकी मर्जी। तो याद रहे कि दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। यहाँ दो बातें याद रखने की हैं। एक तो ये है कि जब हम किसी को दावत दे रहे हों तो हम खुद जो है वो पहले उस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके हों, ताकि अगर कोई काउंटर नैरेटिव हमें देता है, कोई हमारे साथ काउंटर आर्गुमेंट करता है, तो हमारे पास उसका सही और दुरुस्त जवाब होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अधूरी सी बात को समझकर, अधूरी सी बात को सीख कर लेकर किसी के पास पहुंच जाएं दावत के लिए,
और वो आगे से हम पर कोई सवाल करे, तो बजाय इसके कि हम उसको ईमान के रास्ते पर लाते, हम खुद किसी शक का शिकार हो जाए। तो इसलिए दावत देने की, जब भी हम दावत के लिए निकलें तो जो बात हमें मालूम है उसकी ऑथेंटिसिटी को जरूर चेक कर लिया जाए कि हम दुरुस्त और सही बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। पढ़ लीजिए इस हिस्से को, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना, कह दो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो नाजिल किया गया हमारी तरफ। वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल असबात, और जो नाजिल किया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब अलैहिमुस्सलाम की तरफ। बाकी हिस्से का लफ्जी तर्जमा देखिए, वमा और जो, ऊतिया दिया गया, आता उसने अता किया उसने दिया, ऊतिया वो दिया गया, आता ऊतिया, आता उसने दिया, ऊतिया वो दिया गया, और जो दिया गया मूसा, मूसा अलैहि सलाम को, व ईसा और ईसा अलैहि सलाम को, वमा ऊतिया और जो दिया गया, अन्नबियूना नबियों को, मिर रब्बिहिम उनके रब की जानिब से, ला नुफर्रिकु हम फर्क नहीं करते, बैना अहदिम मिनहुम उनमें से किसी एक के दरमियान, यानी किसी एक के दरमियान भी हम आपस में उनका तफावत और फर्क बयान नहीं करते, व नहनु लहु मुस्लिमून और हम उसी के फरमाबरदार हैं। तीसरा सवाल आज की इन आयात में से दे रहा हूँ, ब्रेक टाइम में सोचिएगा और नमाज ब्रेक के बाद वापस आके गौर करेंगे। अन्नबियूना, ये नबीयून की जमा है, अन्नबियू की जमा है अन्नबियूना, तो रफा की हालत में आ रहा है, हम रफा की हालतें पढ़ चुके हैं, उनमें से ये किस हालत में फॉल कर सकता है? ठीक है जी, तो तीन बातें, पहला मैंने कहा कि वकालू कूनू हूदन अव नसारा तहतदू, तहतदू में नून चला गया, इसकी क्या वजह हो सकती है? दूसरी बात मैंने कही कि कुल बल मिल्लता इब्राहिमा, मिल्लता नसब की हालत में आ रहा है, उसकी क्या वजह हो सकती है? और ये तीसरी बात है कि अन्नबियूना, ये रफा की हालत में आ रहा है वाव के साथ, तो इसके रफा की क्या वजह हो सकती है? इन तीन सवालों के साथ हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और वक्फा नमाज के लिए, और नमाज के बाद इंशाल्लाह हम वापस आएंगे 6:45 पे इंशाल्लाह। टिल देन अस्सलामु अलैकुम, सुभानल्लाहि व जी, बिहम्दिही, नमाज का टाइम जो है सुभानल्लाह। हमारे पास तकरीबन 6:50 55 पे खत्म होता है कराची में, सर कराची में सिक्स कराची में फिफ्टी 6:50 तक, 6 यानी कि अगर मैं जमात भी नमाज से भी अगर पढ़ूँ तो 6:55 से पहले फारिग नहीं हो सकते। ठीक चलें फिर 6:55 पे शार्प आ जाएं। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक हो गया जी, नहीं हो सुभानअल्लाह सकता कि पांच बिहम्दिही। मिनट के बाद सर, अभी 5-10 मिनट और ले लें सर आप, सर 5 मिनट और ले लें क्लास ना, अभी हमारा हो 5 मिनट तो गया और ले लाहौर में लें, टाइम, लेकिन कोई बात नहीं, इतना टाइम चलें तो होता है, 5 मिनट चलें और फिर कर हम लेते हैं 5 मिनट ताकि और कर लेते फिर हैं, कंप्लीट हो जाना। जी इन टाइम, 5 मिनट चलें, इसके इशारा देख लेते हैं, वापस आएंगे तो फिर ग्रामर की टॉपिक्स देख लेंगे। तो हम नबियों के दरमियान फर्क नहीं करते, इसलिए कि सब के सब नबी उसी अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं, इसलिए हमें जो है वो उन नबियों के दरमियान कोई फर्क और किसी किस्म की हम ग्रेडेशन नहीं करते हैं उनके दरमियान। वनाहनु लहु मुस्लिमून, और हम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, ना कि अपने मुआशरे के रस्म व रिवाज, अपनी या किसी और की ख्वाहिशात के सुपुर्द करते हैं। ये जब भी हम पढ़ें तो इसको सिर्फ अल्फाज की हद तक ना हो, बल्कि हम इसको गहराई में जाकर तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ते हुए ये सोचें कि हम ये दावा तो कर रहे हैं पढ़ते हुए, क्या हकीकत में हम अमली तौर पर भी ऐसा कर रहे हैं? अगर हमारा अमल इसके बरअक्स जा रहा है तो हमें उसके बारे में फिर सोचकर और प्लान बनाना चाहिए। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु قال قال رسول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, قال الله تبارك وتعالى कि अल्लाह ने यह फरमाया है, अना अग्न शुरका ई अन शिर्क, मैं जितने भी ऐसे जाते हैं जिनका कोई शरीक बनाया जाता है उनमें से सबसे ज्यादा गनी और बेनियाज हूं शिर्क के मामले में। मन अमिला अमलन अशरक फीही मई गैरी,
जिसने कोई अमल किया कि उस अमल में उसने मेरे साथ किसी मेरे गैर को शरीक बना लिया, तरक्तु हूँ व शिर्क हूँ, तो मैं उसको और उसके शिर्क को छोड़ देता हूँ। क्या माना? यानी इस दुनिया और कायनात के अंदर जहां पर भी वहदानियत और वननेस चाहिए लेकिन उनका शरीक बना लिया जाता है, ऐसे अल्लाह की जात के अलावा कुछ और भी अगर कोई है तो किसी कोई भी ऐसी जात जिसका कोई शरीक बनाए, तो हर ऐसी जात को उस शरीक बनाने की वजह से तकलीफ होती है और वो उस पर जो है वो क्या कहते हैं कोई ना कोई आगे से मुकाबला करने की कोशिश करता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं तमाम ऐसे शुरका यानी जिनका कोई शरीक बनाया जाए ऐसी तमाम जातों में सबसे ज्यादा गनी और बेनियाज हूँ। क्या माना? कि बाकी लोगों के साथ अगर कोई किसी को शरीक ठहरा दे तो वो कोई अमल करे किसी शरीक ठहराते हुए तो वो समझते हैं कि ये मेरे लिए, और वो बाकी शुरका की नफी करते हैं बाकी शुरका के हवाले से। मतलब मिसाल के तौर पर चार लोगों को एक ही चीज बात बताई जाए और चार लोगों के बारे में एक बात स्टेटमेंट दी जाए तो उन चार में से हर एक ये समझेगा कि असल में तो ये मेरे लिए है, ये तो खामखा मेरे साथ आ गए हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं इतना ऐसा बेनियाज हूँ कि मेरे बारे में अगर कोई आदमी शिर्क के साथ काम करता है तो मुझे उसके उस जो शिर्क वाला अमल है मुझे उसकी कोई परवाह ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। लिहाजा मैं उसको और उसके शिर्क को छोड़ देता हूँ कि जिसको मेरे साथ शरीक बनाया है अब तुम जानो और वो जाने, मेरे पास तो तुम आओगे तो खाली हाथ आओ। तो इसलिए शिर्क अल्लाह के यहाँ जो है वो बहुत ही नापसंदीदा रवैया और अकीदा है। हमें अल्लाह से हमेशा हर हाल में ये दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें हर किस्म के शिर्क से, शिर्क खफी है या शिर्क जली है और अमली तौर पर है या इतिकादी तौर पर है, हर लिहाज से हमें शिर्क से महफूज फरमा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आयत पढ़ लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबियून मिन रब्बिहिम, और जो दिया गया मूसा व ईसा अलैहिम अस्सलाम को और जो नबियों को उनके रब की जानिब से दिया गया, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, हम फर्क नहीं करते उनमें से किसी एक के दरमियान, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के फरमा बरदार हैं। असबाक एक मरतबा फिर से देख लीजिए, अगर यहूद व नसारा अपने मजहब को कबूल करने की दावत दें तो उन्हें बताना चाहिए कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर हैं जिनको तुम भी अपना पेशवा और मुक्तदा मानते हो, और वो तो एक सच्चे मुसलमान थे, यकसू हो जाने वाले, एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने वाले। हम कुरान पर और कुरान में बयान की गई तमाम बातों पर ईमान रखते हैं, हम तमाम नबियों और रसूलों पर ईमान लाते हैं और उनमें से किसी के दरमियान कोई फर्क नहीं करते। ये हमारे ईमान और अकीदे का हिस्सा है, इसको हमेशा अपने जहन में रखें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बनाइए। हम दुआ गुआ हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमें शिर्क से महफूज फरमा, हर किस्म का, चाहे छोटा हो या बड़ा, अमल का हो या अकीदे का, और प्लान बनाया जाए कि पूरी कोशिश पूरी मेहनत करके हर किस्म के शिर्क से दूर रहने के लिए मेहनत करेंगे और अपने आप को शिर्क से बचा कर रखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्मा और अफाल में मिल्लत पहले भी आ चुका है, ये वाहिद है और इसकी जमा के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है मिलल, मजहब, दीन, नजरिया, सोच, फिलॉसफी, इन सब मानों में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है मिल्लत। असबाब ये सिब्त की जमा है, औलाद को कहा जाता है, वैसे मोस्टली इसको ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए लफ्ज ये यूज किया जाता है, यानी पोतों और नवासे नवासियों के हवाले से ये लफ्ज टर्म यूज की जाती है सिब्त की। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिब्त से मुराद जो है वो औलाद है, और खास तौर पर जब इस तरह का कॉन्टेक्स्ट हो कि अंबिया का जिक्र चल रहा है और उसमें असबात आया है तो वहां पर फिर असबात से मुराद स्पेसिफिक यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद मुराद होती है। नबीयून जो है ये नबी की जमा है, नबी की जमा अगर नबीयून हो तो नबीयून आ जाती है, और नबीयन या नबीयिन हो तो फिर नबीयीना आती है। यहाँ आपको सवाल भी दिया है कि नबीयूना रफा की हालत में है तो इसकी क्या वजह हो सकती है। ठीक है जी, तो चलिए अब हो गए हैं जी 6:25, तो 6:55 पे इंशाल्लाह हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
और यहीं से आगे हम अपने अफाल और बाकी जो बातें हमारी रह गई हैं ग्रामर की, हम उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहमदी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام سر، وعليكم السلام، چلیے بریک پر جانے سے پہلے ہم شرح اور لفظی ترجمہ اسباق وغیرہ دیکھ چکے تھے، اب ہم افعال پر آتے ہیں. تو حنیفاً جو ہے یہ فعیل کے وزن پر آیا ہے، दरबा से इसका टेबल बनता है हनाफा यहनिफु इहनिफ और हनीफ इसमें फाइल की जगह आता है और इससे मफूल नहीं आता। हनफुन हनीफ कहते हैं एक अल्लाह का हो जाने वाला या एक जानिब के लिए यकसू हो जाने वाला, यानी दो तरह के राय हैं तो उन दो में से किसी एक को जो है वो अपना कर और उसको इख्तियार कर लेने वाला मुकम्मल और दूसरे से बिल्कुल बेनियाज हो जाने वाला, ये है हनीफ। हनाफा यहनिफु दौराबा के पैटर्न से कमजोर अफाल में काला और काना कई दफा आ चुका है और मजीद फी में आ रहा है ऊतिया। ऊतिया जो है ये फेले मजहूल है, असल उसका जो मालूम है वो है आता, आता युक्ति उसने दिया, तो आता उसने दिया, ऊतिया उसे दिया गया। मुफर्रिकु अल्लामा का पैटर्न है फर्रका युफर्रिकु, फर्रका युफर्रिकु, फर्रिक मुफर्रिक मुफर्रक तफरीक, फर्क करना अलग करना। मुस्लिमून असलमा के पैटर्न से इस्मुल फायल है, कोई हमने छोड़ा तो नहीं है मजीद फी में से या कोई फेल छोड़ा हो या कोई ऐसा इसम जिसका कोई टेबल हम बना सकते हो जो यहाँ नहीं लिखा हुआ। जी आमना सर, आमना आमना छोड़ा है, बिल्कुल आमना। और तहता दू छोड़ा है सर, जिला तहता अंजला दू भी छोड़ा है, बिल्कुल छोड़ा है अंजला तहता दू, अंजला भी अनजला दिया भी छोड़ा है। और उनजिला उनजिला बस उनजिला हो गया, ठीक है। और सर यही है मुशरिकीन भी है ना, जी सर, जी मुशरिकीन तो सर तहतदू कौन सा पैटर्न है, इत्तदा इहतदा यहतदी, और मुशरिकीन इसका फेले माजी क्या बनेगा, अशरका अशराका, असलमा के पैटर्न पर। और आमन्ना तो हमने आमना का ही पूरा टेबल किया हुआ है, उन जिला का माजी क्या होगा, अंजला अनजला, उसने नाजिल किया उसने उतारा, उन जिला वो उतारा गया। तो यहाँ तीन जगहों पर बल्कि एक्चुअली चार जगहों पर फेले मजहूल इस्तेमाल हुए, फेल दो हैं लेकिन इस्तेमाल चार जगह पे हुआ, उनजिला दो दफा इस्तेमाल हुआ फेले मजहूल, और ऊतिया भी फेले मजहूल है और ये भी दो मरतबा इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अच्छा इसमें अगर हम जोड़ियां देखें तो जोड़ियां में कौन कौन सी नजर आ रही हैं, शुरू से शुरू करें वकालू नसारा से, तो पहली जोड़ी हमें कौन सी नजर आ रही है, मिल्लत इब्राहिम, मिल्लत इब्राहिम, मिल्लत इब्राहिम जोड़ी कौन सी बन रही है, ताल्लुक की जोड़ी, ताल्लुक की जोड़ी, ताल्लुक की जोड़ी, ताल्लुक की जोड़ी है। तो मिनल मुशरिकीन सर, सर जोड़ी का क्या मतलब है जी सिस्टर, जोड़ी का क्या मतलब है सिस्टर, हम किसी फाइव स्टार्ट किया है जब से तो हम जोड़ियां जोड़ियां किससे चले आ रहे हैं, आपको जोड़ी का नहीं पता, जहां पर भी दो अल्फाज मिलते हैं और कोई एक खास मफहूम हमें तब्दीली नजर आती है उसको हम कह रहे हैं शुरू से कि इसको जोड़ियां कह रहे हैं हम, जोड़ी है ये,
मिल्लत इब्राहिमा एक जोड़ी होगी, मिनल मुशरिकीना, जार मजरूर की जोड़ी से, मिनल मिनल मुशरिकीना जार मजरूर की जोड़ी होगी, बिल्लाही बिल्लाही जार मजरूर, बिल्लाही जार मजरूर की जोड़ी। इला इब्राहिमा जार मजरूर की, इला इब्राहिमा जार मजरूर इलाइना, इलाइना भी सर जार मजरूर की जोड़ी, जी, इलेना भी जार मजरूर है, बिल्कुल दुरुस्त। मेर रबी हिम से जार मजरूर है। मेरे रबी, मेरे मेर रबी रब जार भी हिम, मजरूर, एक जोड़ी है, दो है, मेर दो है, रब दो जोड़ी दो है, है, जार तो ये मेर मजरूर, रबी हिम मेरे रबी जो है ताल्लुक की आलू की जोड़ी, जोड़ी और है, रबी हिम और जार मजरूर, मेर रबी जार मजरूर है। मेर रबी मेरे जार रबी मजरूर है और रब भी हिम ताल्लुक की जोड़ी। ताल्लुक की जोड़ी, और बैना अच्छा अहदिन ताल्लुक की तृतीया जोड़ी है। बैना सर, अहदिन, तृतीया, बिल्कुल। तीरा ताल्लुक की जोड़ी नहीं है, ऊतिया, ऊतिया तो सिस्टर फेल है ना, तो फेल तो ताल्लुक की मजबूर है जोड़ी तो सर, इसमों से बनती सर, है। सर, सही 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 सर, ये बैना अहदिम में, अहदिम मिन होम, मिनहुम है मिन होम तो जार मजरू की जोड़ी हो गई सर, और इसमें ये दूसरी अहदिम मिन सर, होम भी हो नहीं सर, मिनहुम ये ताल्लुक बैना अहदिन जो है की ना, ये बैना जोड़ी अहदिन है ताल्लुक की जोड़ी, ताल्लुक है, बैना अहदिन ताल्लुक। फरीकू मिनहुम जार मजरूर है सर, मिनहुम जार मजरूर है, भी फेल है, और लहू जार मजरूर है सर। लहू जो है वो जार मजरूर हो गया। नुफरिकू मुफर्रिफ, फेल बिल्कुल मुफर्रिफ फेल है, बिल्कुल फेल है है, ना। उफर्रिकु नुफर्रिकु, हम फर्क करते हैं। तो ये जोड़ियां हो गई। अब हमारे वो तीन बातें थी, तहतदू कानून किधर गया, मिल्लता पर जबर क्यों है, और अन्नबियूना रफा की हालत में क्यों है। जी किसी ने गौर किया, कोई बताना चाहेगा? सर आउट आउट की वजह से अथफ हो रहा है सर। नहीं, एक्चुअली आउ नहीं है। हमने पढ़ा था कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जब वो किसी फेल से पहले आते हैं और शर्त वाला माना दे रहे हों तो वो छुरी वाला अमल करते हैं, इन मन और मा वगैरह के बारे में, शर्त के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें एक चीज यूं भी समझ लें कि ये शर्त जो है ये बाज़ औक़ात छुपी हुई होती है अंडरस्टूड होने की वजह से। तो ये मोस्टली हमें नजर आता है उसमें जब कोई हुक्म दिया जाए और फिर उसका नतीजा बताया जाए। देखिए यहाँ पर क्या अंदाज है। पालू, उन्होंने कहा कूनू हूदन औ नसारा, तुम हो जाओ जैसे यहूदी या नसरानी, और फिर आगे साथ ही कहा तहतदू, तुम हिदायत पा जाओगे। इन बिटवीन क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम हो जाओ यहूदो नसारा, अगर तुम हो जाओगे तो हिदायत पा जाओगे। यही समझ में आ रहा है? शर्त लगा रहे थे, यानी हम तुम्हें बता रहे हैं तुम यहूदी या ईसाई हो जाओ और अगर तुम हमारी बात मान लोगे तो तुम हिदायत पा लोगे। तो इसको हम क्या, इसको अब एक्चुअली तो ये बन रहा है जो छुपी हुई शर्त है उसका जो है वो जवाब में आ रहा है, तो इसलिए जज़्म है। लेकिन इस खास केस में जब फेले अमर के बाद इस तरह का हमें नजर आए तो हम इसको फिर ये नहीं कहते कि ये छुपी हुई शर्त का जवाब है, इस वजह से ये जज़्म की हालत में आ रहा है, इसका नून चला गया है। बल्कि यहाँ सिंपली कह देते हैं कि फेले अमर, हुक्म दिया जा रहा है और उस हुक्म का नतीजा बता रहे हैं, तो वहां पर भी अगर फेल मुदारे होगा तो वो भी जज़्म की हालत में आ जाएगा। तो कूनू फेले अमर की वजह से इसको कहते हैं जवाब अमर, अमर, और इसको कहते हैं जवाब अमर। ठीक है, ये तहतदू, ये जो कूनू हूदन का जो हुक्म था, इस हुक्म का जवाब क्या है कि अगर तुम ये कर लोगे तो फिर तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर जज़्म की हालत है, तहतदू नून का हज़फ होना तो नसब और जज़्म दोनों में आएगा ना, तो यहाँ पर हम इसको जज़्म की हालत लेंगे क्योंकि ये अमर के जवाब में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह मिल्लता इब्राहिमा में मिल्लता, हम तर्जुमा अगर करें अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या बनती है, बल मिल्लता इब्राहिमा हनीफा, बल्कि एक हो जाने, एक अल्लाह का हो जाने वाले इब्राहिम की मिल्लत। क्या हुआ उस मिल्लत को, तर्जुमा अंडरस्टैंडिंग वाला क्या बनता है, अच्छा हम इत्तिबा करते हैं, बल
बल्कि हम इत्तबा करते हैं एक हो जाने वाले, एक अल्लाह के हो जाने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की। तो ये जो हम इत्तबा करते हैं, इसके लिए कोई लफ्ज हमें नजर आ रहा है? नहीं सर, नत्तबिउ बनता है, तो हम कह सकते हैं कि इससे पहले नत्तबिउ अंडरस्टूड है कि हम इत्तबा करते हैं या हम इत्तबा करेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की। ठीक है, ये दो चीजें नई है, मतलब इससे पहले हमने इन चीजों को नहीं डिस्कस किया। तो आज हमारे लिए एक और विंडो ओपन हो गई है कि बाज़ोकात ऐसा भी होता है कि कोई जो नसब देने वाला, नसब की हालत में ले जाने वाली वजह या जज़्म की हालत में ले जाने वाली वजह वो छुपी हुई भी हो सकती है, जो अंडरस्टूड होने की वजह से उसको लफ्जों में जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन वो पढ़ने वाला, सुनने वाला, देखने वाला उसको समझ आ रहा होता है कि यहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से जो है ना वो मफहूम तभी कंप्लीट होता है। क्योंकि इसको जो है ना वो जुमले को देखें ना, तो अगर सीधा सीधा लफ्जी तर्जुमा करें तो क्या होगा, उन्होंने कहा तुम हो जाओ यहूदी या नसरानी, तुम सब हिदायत पाओगे। तो ये बात मफहूम की सही बैठती नहीं है। मफहूम बनता ही तब है कि ब्रैकेट्स के अंदर ये बात लाजमी मानी जाए कि अगर तुम ये हो जाओगे, अगर तुम ये कर लोगे तो तुम हिदायत पा जाओगे। इसी तरह बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, बल्कि एक हो जाने वाले, एक अल्लाह के हो जाने वाले इब्राहिम की मिल्लत, उस मिल्लत का क्या है, हम उसकी इत्तबा कर रहे हैं, हम उसको इख्तियार कर रहे हैं, हम उसको छोड़ रहे हैं, हम उसके पीछे चल रहे हैं, कोई ना कोई बात करेंगे तो तब जाकर बात कंप्लीट सेंस हमें मिलेगा। तो वो अंडरस्टूड है कि हम इत्तबा करते हैं या हम इत्तबा करेंगे मिल्लत इब्राहिम की। ये दोनों बातें नई इस हिसाब से हैं कि हमने इससे पहले जब भी देखा कि कोई भी इसम या फेल किसी रफा नसब या जर जज़म की हालत में आता है, तो वो रफा नसब जर या जज़म की वजह हमें पीछे कहीं ना कहीं लिखी हुई नजर आ रही होती है। तो यहाँ पर हमने ये बात समझी कि बहुत सारे मकामात पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो वजह जिसकी वजह से कोई इसम या फेल अपने एराब की हालत को बदल रहा है, वो वजह लफ्जों में ना हो बल्कि वो अंडरस्टूड होने की वजह से उसको लफ्जों में जिक्र ना किया जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से और भी जहां जहां मिसालें आएंगी इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस करते चले जाएंगे। तीसरा सवाल था अन्नबी यूना जो है ये रफा की हालत में आ रहा है, उसकी क्या वजह है? तो इसको अब बिल्कुल नया भी नहीं कहेंगे और ये भी नहीं मैं कहूंगा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इतना हम पढ़ चुके हैं कि जब फेल आता है तो फेल के बाद उसका फाइल आता है जो रफा की हालत में होता है। ये बात तो हम पढ़ चुके हैं, जी ये तो पढ़ी हुई है ना, इसमें तो कोई जी कंफ्यूजन जी नहीं है कि फेल के बाद आने वाला जो फाइल है वो रफा की हालत में होता है। तो अगर फेल फेले मजहूल हो, फेल फेले मजहूल हो, तो उसके बाद फेले मजहूल कहते ही उसको है जिसके फाइल का पता नहीं है। जब हम कहते हैं नुसिरा, उसे उसकी मदद की गई, तो ये तभी यूज किया जाता है कि जब मदद करने वाले का पता ना हो। दुरिबा, उसे मारा गया, जब मारने वाले का पता नहीं है। तो फेले मजहूल में तो फाइल का पता ही नहीं है, तो अब यहाँ पर किसको रफा मिलेगा? फेल ने रफा तो देना ही देना है, तो अब वो रफा जब फेले मजहूल आए तो फेल ने जो रफा देना है वो रफा उसको मिल जाएगा जो फाइल की जगह पर आ रहा है, यानी एक्चुअली वो मफूल है, उतिया दिए गए कौन, अन्नबी यूना। तो नबियों को दिया गया है, नबी देने वाले नहीं है, नबियों को दिया गया है वो उसको लेने वाले हैं, तो वो बेसिकली तो है वो मफूल। लेकिन चूंकि फेल ऐसा यूज हुआ है जिसके फाइल का पता नहीं है, तो अब नबियून को फाइल के उस पोजीशन पर रख दिया गया है, उसके अल्टरनेट के तौर पर, उसके कायम मकाम के तौर पर। तो अब जब उसके कायम मकाम की हैसियत से ये आ गया है, तो जो हालत उसकी होनी थी फाइल की, वही हालत इसकी दे दी है, जो कि एक्चुअली मफहूम के एतबार से तो मफूल है, लेकिन फेले मजहूल में आने की वजह से इसको हम रफाही की हालत में रहते हैं, और इसको एक खास नाम दिया जाता है। वो नाम क्या है? नाइबुल फाइल। नाइबुल फाइल। कि ये फाइल का नायब है, यानी असल में फेल के बाद फाइल आना चाहिए, तो फाइल नहीं है तो ये उसका नायब आ गया है यहाँ पे। तो जब नायब आता है तो जो मामलात असल के साथ होते हैं वही मामलात नायब के साथ भी हो रहे हैं। तो वो हम असल होता अगर फाइल तो वो रफा की हालत में होता, तो ये जो कि उसका नायब बन कर आया है, तो इसलिए इसको भी हमने
रफा की हालत में लिख दिया है। तो अब हम इस चीज को ऐड कर लेंगे अपनी उन पांच चीजों में। हमने पढ़ा था कि पांच हालतों में जब कोई इसम आता है तो वो रफा की हालत होती है। वो पांच चीजें क्या थी? मुब्तदा, खबर, खबर, इन्ना की खबर, काना काना का इसम, काना का इसम, का जुमला फेलिया का फाइल, फाइल। अब इसके साथ, फाइल इसी फेल के साथ लगाने हैं मजहूल का फाइल नाइफ फाइल, ओब्लिक नाइबुल नाइफ फाइल, फाइल, नाइबुल फाइल। यानी इसको अलग नहीं लेंगे, ये इसी एक ही में शामिल होगा कि अगर फेल मालूम है तो फाइल, और अगर मजहूल है तो नाइबुल फाइल। ठीक है जी, तो ये पांच बेसिक वजूहात हमारी जो है वो मुकम्मल हो गई किसी भी इसम के रफा की हालत में आने की नाइबुल फाइल की एडिशन के साथ। अच्छा जी, तो इसके साथ हमारा कुरान वाला पोर्शन भी मुकम्मल हो गया है। कोई और सवाल तो नहीं है किसी के जहन में? अगर है तो हाथ खड़ा करके बता सकते हैं, नहीं तो हम ग्रामर शुरू कर लें। गुफ्ता, जी सर, सर मुझे यही पूछना है कि अब ये जुमले के लिहाज से अगर इनको देखेंगे तो ये पहला जुमला जो इसमें वकालू कूनू हुदन और नसारा था तदी, तो अगर वकालू से लेंगे तो ये जुमला फेलिया ही होगा ना सर, वकालू बिल्कुल कूनू, फेलियर, फेलिया तो होगा। जी जी लेकिन जो काला वाला फेल है ना, काला यकूलू कुल, जब ये फेल इस्तेमाल हो रहा हो जुमला फेलिया में, तो इस जुमले को जरा डिफरेंट ट्रीट किया जाता है आम जुमला फेलिया से हटकर। जैसे काना को हमने अलग से कर दिया कि हमने काना के बाद ये नहीं कहा कि ये काना का फाइल है, बल्कि हम कहते हैं ये काना का इसम है और काना की खबर है। ऐसे ही काला वाला फेल भी अगर आएगा तो उसके लिए भी तो डिफरेंट अंदाज इस्तेमाल होता है। तो वो हम अभी नहीं कर रहे, हम इंशाल्लाह Q6 में जाकर उसको स्टडी करेंगे कि काला वाले जुमलों को कैसे एनालाइज किया जाता है। होता वो जुमला फेलिया धन्यवाद। ही है, होगा वो जुमला फेलिया ही, लेकिन उसके नाम थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे आमतौर पर तो हम कहते हैं ना ये फेल है, ये फाइल है, ये मफूल है, तो काला वाले जुमले में कुछ तो अलग अल्फाज और टर्म्स यूज की जाती हैं। आखिर में एंड रिजल्ट में उसको कहते हैं जुमला फेलिया ही है, लेकिन वो उसके साथ साथ कुछ एडिशन होती है उसके टर्म्स के अंदर। ठीक है जी। जी सिस्टर, वालेकुम जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्लास के बाद आपको जब भी टाइम मिले ना तो 2-4 मिनट जब फारिग हो तो मेरा मेरी बात सुन लीजिएगा, जी ठीक है, ठीक। ठीक है? जजाक जी सिस्टर असमत, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर। सर ये जो होमवर्क का जो बुक दी है ना आपने, ये तो मैंने कंप्लीट कर लिया, मतलब ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन रहता है मैम सर, तो इसमें जो पीछे ग्रामर की हिस्सा दोम आया हुआ है, इसमें कहते सर सर को मनाकू के आसान तारीफ लिखे, जुमला फेली और जुमला इस्मा क्या है, तो सर इस दूसरे वाले बुक में इसका कोई नोट्स नहीं जो मैं उसे देखा लिखूंगी, तो आप प्लीज मुझे बता देंगे कि इसमें इसकी तारीफ कैसे लिखेंगे। ये आपको जब स्लाइड्स मिलती हैं तो हर स्लाइड ग्रामर वाली स्लाइड में सर्फ और नहव की तारीफ लिखी हुई होती है। आप उसको स्लाइड्स में से देख सकती हैं, और बुक में भी ये बात लिखी हुई है जहां पर जुमला इस्मिया और फेलिया और सर्फ और नहव है, वो चीजें लिखी हुई हैं। आप बुक को शुरू से पढ़ें, आपको मिल जाएंगी ये सारी चीजें इंशाल्लाह। चैप्टर में या आप शुरू से लेसन्स को दोबारा ग्रामर वाले लेसन्स को पढ़ें और से, इंशाल्लाह मिलेंगी आपको। पेज पेज नंबर 13 देख लें सर, उनको बता दीजिए, पेज उनको नंबर खुद ही ढूंढने 13 दें, उनको खुद ढूंढने दें। जी जी ठीक। अच्छा जी, चले आज जी नसब की हम 6 हालतें पढ़ चुके हैं, 5 और पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। तो नसब की 5 मजीद हालतें पढ़ेंगे। ये सिस्टर अभी एक तो अभी आ गया, ये हम हर लेसन की तीसरी स्लाइड में जाके ग्रामर में हम ये बताते हैं कि सर्फ और नहव क्या है। तो सर्फ किसको कहते हैं? मादे के हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाना, बामाना, ऐसे अल्फाज जिनका कोई ना कोई माना किया जाए। और नहव कहते हैं उन अल्फाज को जोड़कर जुमले बनाना और जोड़ियां बनाना, और फिर उन जोड़ियों के साथ मजीद अल्फाज ऐड करके कंप्लीट सेंस और मीनिंग वाले जुमले बनाना। ठीक है जी। और
नहव के अंदर एक खास बात ये होती है कि लफ्ज के आखिर से मुताल्लिक बात होती है, यानी आखिर में जबर जेर पेश की तब्दीलियां जो हमें नजर आती हैं, ये हम नहव के जरिए सीखते और समझते हैं। जुमले के अंदर हर लफ्ज का कोई ना कोई महल होता है, उसी महल की मुनासिबत से उसके आखिर वाली हरकत जो है वो बदलती रहती है, कभी जबर, कभी जेर, कभी पेश। तो ये नहव है। हमने अब तक चार किस्म के जुमले सीख लिए हैं। जुमला इस्मिया, अल्लाहु गफूरुन, इन्ना वाला जुमला इन्ना अल्लाह गफूरुन, काना वाला जुमला कान अल्लाहु गफूरन, और जुमला फेलिया खलक अल्लाहुल अर्दा। चार जुमले हमने सीखे। इसमें हमने पांच वजूहात पढ़ी। रफा की, मुबतदा रफा की हालत में होगा, मुबतदा की खबर भी रफा की हालत में है, इन्ना की खबर रफा की हालत में है, काना का इस्म रफा की हालत में है, जुमला फेलिया में अगर फाइल है तो वो रफा की हालत में है। और अगर आज हमने बात कर ली कि अगर फाइल जुमला फेल जो है वो फेले मजहूल है, तो फिर उसका नायब फाइल भी रफा की हालत में होगा। तो ये पांच एस्पेक्ट्स हैं कि इनसे अगर कोई इसम आ रहा हो तो वो रफा की हालत में होता है। नसब की वजूहात हम कोई 6-7 पढ़ चुके हैं। उनमें से इब्तदाअन अगर हम देखें तो इन्ना का इसम नसब की हालत में है, काना की खबर नसब की हालत में है, जुमला फेलिया में आ जाए तो जुमला फेलिया का मफूल 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 भी, और इसका सवाल हमने क्या पढ़ा है, किसको का जो जवाब है, किसको के जवाब में बोले जाने वाला लफ्ज नसब की हालत में होगा। ठीक है, ये चार हो गए, और पांचवी चीज तीन हो गए। चौथा क्या ले वही मुतलिक याकी, यानी मफूल मुतलक, वो भी नसब की हालत में होगा। पांचवी चीज किस वजह से, क्यों या किस वजह से, उसका जवाब भी जो है वो लहू या लय हालत में अजली होगा। की और इसको अजली नाम क्या दिया था हमने, मफूल ली अजली ही। ही और फिर छठी सूरत, कब और कहाँ, कब और कहाँ फी का जवाब, वो भी नसब की हालत में आएगा। और इन दोनों को एक ही नाम दिया था, मफ़ऊल ही फी या ही, ज़र्फ़ सर। ज़र्फ़ या मफ़ऊल फी ही। और इसके साथ हमने आखिरी चीज जो पढ़ चुके हैं अभी तक वो था हाल। फेल करते वक्त फाइल की या मफ़ऊल की हालत, अंदरूनी या बैरूनी जाहिरी हालत को बताता बताने वाला लफ्ज, वो भी नसब की हालत में होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा हमने चार जोड़ियां पढ़ी हैं। फिल अर्दी, हर्फ जर के बाद आने वाला इसम जर की हालत में, फिल अर्दी। बैतुन कबीरुन, सिफा की जोड़ी। जालिकल बैतु, इशारे की जोड़ी। बैतुल्लाही, ताल्लुक की जोड़ी। और फिल और जार मजरूर और ताल्लुक की जोड़ी, इन दोनों में हमने ये चीज पढ़ी है कि ये बाज औकात बजाय इसम के किसी जमीर जमीर के साथ भी हो सकते हैं। जैसे फिल अर्दी की बजाय फी हा भी कहा जा सकता है, बैतुल्लाही की बजाय बैतुहू भी कह सकते हैं। जबकि सिफत और इशारे वाली जोड़ी में ये चीज नहीं होगी, वो जब भी आएंगे तो वो अस्मा ही होंगे, उसका दूसरा इसम भी सिर्फ इसम ही होगा। ठीक है जी। और अस्मा की हालतें हमने पढ़ी हैं। तीन हालतें होती हैं, जब कोई इसम असली हालत है या रफा की असली हालत में। इब्तदा अन डिफॉल्ट पढ़ा जाएगा तो रफा में पढ़ा जाएगा मुस्लिमुन, नसब की हालत होगी तो मुस्लिमन, और जर की हालत होगी तो मुस्लिमिन। रफा की हालत मुस्लिमुन, नसब की हालत मुस्लिमन, जर की हालत मुस्लिमिन। पिछले सबक में हम नसब की 6 हालतें सीख चुके हैं। पिछले सबक तक ये जुमला हम इसको सारा इकट्ठा लेकर चल रहे थे। जकरतुल्लाह जिक्रन ताअतन सबाहन खल्फल इमामी क़ाइदन खाइफन। तो यहाँ नसब की हालत में आने वाले ये अस्मा हैं। जकरतुल्लाह, इसका सवाल मुझे सवाल बताते जाएं, ये किस कौन से सवाल का जवाब है, अल्लाह किसको किसको, विक्रम इसका सवाल क्या था, ताकीद वही तक ताकीद, वही क्या वही, वही ताकीद क्या क्या वही मतलब या ताकीद। ताहतन का सवाल क्या क्यों है, क्यों, क्यों 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 कबाहन का सवाल कब, कब और खल्फल इमाम का सवाल कहाँ कहाँ कहाँ, और क़ाइदन और खाइफन का सवाल किस दाखली हालत किस दाखली हालत में, हाल किस और हालत में, अंदरूनी हालत हाल में। इस हाल में अब ये हाल अंदरूनी
या बैरूनी, जाहिरी या खारजी, जाहिरी खारजी हो सकता है। तो ये छह जो है वो सवाल हमने सीखे हैं बेसिकली। टर्म्स अगर हम देखें तो टर्म्स हमने कितनी पढ़ी हैं इस सब में, मफूल बिही, मफूल ये भी, मीम से मुराद मफूल है, और मफूल मफूल मुतलक, मतलब मफूल ली अजली ही, लहू, और इन दोनों को कब और कहां दोनों को एक ही कहा था, मफूल मफूल फी ही, और मकाम काइदन और खाइफन इनको दोनों के हाल लिए कहा था हाल। तो हाल हाल मैंने शायद बताया था कि ये मफूल पांच किस्म के होते हैं, बात की थी। ये जो तो मफूल पांच है ही फेल, बनते हैं, फेल पांच के ठीक बाद आने वाले जो मफूल हैं वो एक्चुअली पांच होते हैं, मफूल बिही, मफूल मुतलक, मफूल लिअजली ही, मफूल फी ही। चार तो हमने पढ़ लिए, पांचवा एक बाकी है, वो हम इंशाल्लाह किसी सिक्स में जाकर देखेंगे। ठीक है, एक चीज को किसी सिक्स के लिए छोड़ देते हैं इन पांच में से, तो कुछ ना कुछ ताकि हम वहां पर भी सीखें। ठीक है जी, तो इस अंदाज से जो है वो ये हमारा पिछले सबक का एक क्विक रिवीजन हो गई। इस सबक में हमने नसब की मजीद पांच हालतें देखनी हैं। अच्छा, या रब्बल आलमीना किसको पुकार रहे हैं ताल्लुक की जोड़ी में। आमतौर पर जब हम किसी को पुकारते हैं अरबी जुबान में, जब पुकारा जाता है, अगर वो सिंगल लफ्ज हो तो वो पेश के साथ आता है, जब ऐसे ही है। बुलाएं तो रब्बा किसी कहते को हैं, जब किसी को बुला रहे हैं तो अल्फाज रब्बा को अगर हम बात करें तो अल्फाज की दो सूरतें हैं, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ आप लोग देखिए। अल्फाज दो तरह के हैं, एक है मुफरद और एक है मुरक्कब। मुफरद से मुराद क्या है, सिंगल लफ्ज, ये वो मैंने वो वाला नहीं है, ये मुफरद से मुराद सिंगल है, सिंगुलर नहीं है। एक मुफरद से मुराद सिंगल वर्ड है, सिंगुलर नहीं है, ये दो अलग अलग बातें हैं। सिंगल और सिंगुलर में फर्क समझ में आ रहा है ना, जी सिंगल वर्ड और सिंगुलर नहीं है। और मुरक्कब से मुराद जो हमने जो जोड़ियां पढ़ी हैं, दो लफ्ज़ और जोड़ियां और जुमले इन दोनों को ही मुरक्कब कहा जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को पुकार रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं या खालिद, तो ये सिंगुलर है, सॉरी सिंगल मुरक्कब वर्ड है खालिद, खालिद जी, सिंगल वर्ड है। तो अब जब ये सिंगल वर्ड होगा और मैं इसको बुला रहा हूं तो मैं इसको सिंगल पेश के साथ बोलूंगा, या खालिदु। ठीक है, हम कहते हैं या अल्लाहु, क्योंकि ये एक लफ्ज है। ठीक है, या रजुलू, एक लफ्ज जब आ रहा है जिसको हम बुला रहे हैं तो ये पेश के साथ आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर ताल्लुक की जोड़ी है उसको हमने पुकारना है, या मिसाल रबुल के आलमीन, तौर पर ताल्लुक की जोड़ी है और हमने उसको पुकारना है, तो ये ताल्लुक की जोड़ी है रब्बुल आलमीन, जी अब इसको पुकारना है, तो या रब्बुल आलमीन नहीं कहेंगे बल्कि या रब्बल आलमीन कहेंगे। जब जिसको पुकार रहे हैं वो ताल्लुक की जोड़ी हो, जिसको पुकार रहे हैं वो अगर ताल्लुक की जोड़ी है तो फिर अच्छा, दूसरे हिस्से में तो कोई तब्दीली नहीं आ सकती ताल्लुक की जोड़ी के, ये तो क्लियर है बात। रब्बुल आलमीन, रब्बल आलमीन, रब्बिल आलमीन, आलमीन तीनों हालतों में एक ही है, तब्दीली क्या नजर आ रही है, रब्बू रब्बा रब्बी। तो ताल्लुक की जोड़ी में एराब का जो बेसिक महल होता है, हालत बताता है, वो ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम होता है। तो रब्बल आलमीन में रब जो है वो महल है जहां पर हम नसब को डिस्कस कर रहे हैं। ये अगर अल आलमीन ना होता, सिर्फ रब होता, कहते ए रब, सिर्फ पुकारना होता ए रब, बू कोई ये कहते ना हैं होता मेरा रब या रब्बू, आलमीन का रब या लोगों का, कुछ भी ना होता, बस होता ए रब, तो फिर क्या कहते, या रब्बू रब या रब्बू,
सिंगल पेश के साथ कहते। रब्बी, सिंगल पेश के साथ कह देते या रब्बू, लेकिन अब जब इसको रब को पोजेस किया है आलमीन की तरफ, तो ये ताल्लुक की जोड़ी बन गई, इसलिए अब इसको हम कहेंगे कि ये या रब्बल आलमीन। तो यहाँ पर निकला ये कि जिसको पुकार रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं, इसकी अब दो सूरतें हो सकती हैं, मुफरद है या ताल्लुक की जोड़ी है। ये अगर मुफरद होगा तो ये बिल्कुल इसको दम्मा या बिल्कुल पेश हम कह देंगे, सिंगल सिंगल दम्मा या सिंगल पेश के साथ आ जाएगा। मिसाल दी है मैंने, या अल्लाहु या खालिदु वगैरह। और ताल्लुक की जोड़ी में अगर पुकार रहे हैं किसी को, तो अब ये आ जाएगा नसब की हालत में, या रब्बल आलमीन। और एक जो बड़ा हम कॉमन सुनते हैं, जिनमें हम रोजाना हमारे काम में कई दफा वो आ सकती है, वो क्या है? सर, हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह तो रब्बिल इसकी आलमीन। तब्दील जो है इसकी क्या वजह है? वहां पर देखिए तर्जुमा क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह ही तमाम सर तारीफें या अल्लाह नहीं, के लिए हैं, सर इलाही मजरूर है या वहां रब्बी जर की हालत में। तो जर की वजूहात हमने पढ़ी है बेसिक दो, उससे पहले कोई हर्फ जर है रब्बी से पहले? नहीं है। वो कोई ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम बन रहा है, वो भी नहीं है। एक तीसरी वजह पड़ी है कि अगर कोई इसम किसी और इसम की सिफत बन रहा हो जो पहले से जर की हालत में, तो फिर ये भी जर में चला जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही की आगे सिफत बताई जा रही है, रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह जो तमाम जहानों का रब है, तो वहां इस वजह सर से जर की हालत हुई। अल्लाह के साथ तो लिल्ला हो गया ना, लाम लगी तो वहां लगी हुई है, जार। वो जार मजरूर की जोड़ी होगी। अब अल्लाह ही की जो सिफत आएगी वो भी जर की हालत में आएगी ना। सर ये तो क्लियर हो गया, लेकिन आलमीन जो है वो मजरूर हालत में क्यों आया? वो क्यों आया? तो अब उसको आलमीन को पीछे जोड़े ना, उसका रब के साथ क्या ताल्लुक है, क्या उनका आपस में कॉम्बिनेशन है, रब्बिल आलमीन चार क्या मजरूर की ताल्लुक जोड़ी, करते हैं, चार रब्बिल ताल्लुक की जोड़ी आलमीन। है सर, ताल्लुक की जोड़ी है और मजरूर है। जिन सिस्टर ने सवाल किया था, क्या उनको भी ये बात समझ में आ गई है, आ जी गया सर जहन आ में? गई, चल जी सर ध्यान में आई। चल अच्छा, ये मैंने कहा था, ये हम अक्सर सुनते हैं या रसूल अल्लाह, इसको भी बाज़ औक़ात लोग गलत पढ़ते हैं, या रसूलुल्लाह कहते हैं, तो ग्रामेटिकली ये लफ्ज गलत है अगर इसके साथ लाम के ऊपर पेश लगाई जाए, या रसूलुल्लाह ये गलत होगा, क्योंकि ये रसूलुल्लाह जो है ये क्या है, ताल्लुक की जोड़ी, जब इसके साथ या लगेगा तो ये या रसूल अल्लाह होगा, ठीक है? तो पुकारा जा रहा है जिसको, वो अगर ताल्लुक की जोड़ी है। सर मुझे पूछना है कि ये पेश या जबर लगाने से ताल्लुक की जोड़ी में क्या मायने में भी फर्क हो जाता है? इसलिए कि ताल्लुक की जोड़ी का जो पहला इस्म होता है तो रफा नसब या जर किसी भी हालत में पाया जा सकता है, ये मतलब हमारे रूल में है ये, तो सर इसलिए तो क्या इसके मायने में तब्दीली हो जाएगी नहीं, रसूलुल्लाह आप या मुझे रसूल? बताएं, आप मुझे ये बताएं, मुस्लिमुन मुस्लिमन जी मुस्लिमिन, इन तीनों के माना क्या है? फर्क आ रहा है कोई मानों में, बेसिक माने में? तो नहीं, मुसलमान मुसलमान ही बेसिक कोई माना सेम मुसलमान रहता है, जी, कोई बेसिक माना सेम मुसलमान रहता है, सिर्फ जब वो किसी जुमले में आता है तो उसके महल के मुताबिक, उसके रोल के मुताबिक, ये एक्चुअली जो आखिर में जबर जेर और पेश की तब्दीली है, ये उसका रोल डिफाइन कर रहा है, कि पेश के साथ आ रहा है तो वो फाइल बनेगा, उसका तर्जुमा फिर इस अंदाज से होगा कि उस पूरी एक सिनेरियो जो बताया जा रहा है उसमें वो एज ए सब्जेक्ट उसको यूज किया जाएगा, अगर जबर के साथ आ रहा है तो एज एन ऑब्जेक्ट उसको बताया जाएगा, जेर के साथ आ रहा है तो उसको भी एक खास पैराए में बताया जाएगा कि ये इस अंदाज से है, तो वो उसका सिर्फ जो रिलेटिविटी है उसके अंदर जो है वो चेंज आ जाता है, रिलेशन जो बाकी अल्फाज के साथ और जो जुमले के अंदर बन रहा है उसका वो बदल जाता है, बेसिक माने में कोई तब्दीली नहीं आती।
बेसिक माना वही रहेगा, रब्बुल आलमीन का माना भी तमाम जहानों का रब, रब्बल आलमीन का माना भी तमाम जहानों का रब, रब्बिल आलमीन का माना भी तमाम जहानों का। ठीक है। सर, मैंने एक चीज पूछनी थी कि अभी आपने लिखा था या अल्लाह, तो जब हम या लगाते हैं तो इसका मतलब तो हुआ ना कि हम पुकार रहे हैं कि ए, तो फिर हम अल्लाह फिर इसके ऊपर जबर नहीं फिर लगा देते कि जब पुकारना हो तो। नहीं, हमेशा पुकारने की बात नहीं कर रहे ना, अगर जिसको पुकार रहे हैं वो सिंगल है तो फिर वो पेश के साथ आएगा, या अल्लाहू, यही तो बात की है। अगर जिसको पुकार रहे हैं वो सिंगल हो, अल्लाहू एक सिंगल वर्ड है ना, ठीक, तो सिंगल सही। वर्ड जब आ रहा है तो वो पेश के साथ आएगा, सिंगल पेश के साथ, और अगर ताल्लुक की जोड़ी है तो वो जबर के साथ आएगी। ठीक है, सही, ठीक खत्म करो यार, सर, ठीक है सर। सर, ऐसा सर, चलती ऐसा क्यों जरूरी है कि ताल्लुक की जोड़ी के साथ रही। आएगा तो जबर ही आएगा, जबकि पहला इसम तो आ सकता है जबर में, जेर में और पेश में दोनों। नहीं, इसका कोई मैं रीजन आपका सवाल समझा नहीं। सर, आप कह रहे हैं ना ताल्लुक की जोड़ी में जब आएगा तो रब्बल आलमीन आएगा, लेकिन जो हमने रूल पढ़े हैं उसमें तो ये भी है ना कि ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम जो होता है पेश और रफा नसब और जर तीनों हालत में आ सकता है। तो ठीक है, तो सर यही आप ये कह रहे हैं कि ताल्लुक की जोड़ी होगी तो रब्बल आलमीन होगा, रब्बुल आलमीन या रब्बिल आलमीन नहीं होगा, ये कह रहे हैं आप सर। जी, मैं यही हाँ, बता रहा लगाते हूँ, हैं। लेकिन लेकिन ये तब होगा ना कि जब इसको पुकारा जाए, यही तो बात हो रही है ना, नसब की हालत में ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम। अब हम जाएंगे, एक हमारे पास जोड़ी आ गई है, रब रब्बुल आलमीन, एक मैं एक सेकेंड जी, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, अब इसको यहाँ पेश के साथ लिख रहा हूं मैं, यहाँ जबर के साथ लिख दिया और यहाँ जेर के साथ, लेकिन इस पेश की भी कोई वजह होनी चाहिए ना, रफा की हालत में आ रहा है तो कोई वजह हमें चाहिए, वो वजह क्या हो सकती है? कॉन्टेक्स्ट ये पीछे से देखेंगे सर, कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, शायद यही होगा बता को रही। देखेंगे, कहीं पर इसको मुब्तदा बना देंगे तो ये रफा की हालत में चला जाएगा, कहीं इसको खबर बना देंगे तो रफा की हालत होगी, कहीं पर इन्ना की खबर होगी, काना का इसम होगा, फाइल होगा, तो ये ठीक है रब्बू सर, उन पांच में से किसी एक में जब आएगा पोजीशन पर तो ये रफा में चला जाएगा। फिर इसी ये तरह नसब की सर हमने वजूहात पढ़ी है, तो उनमें से जो क्लियर। बाकी पढ़ रहे हैं, बाकी हमने पढ़ी है मफूल हो या उसको जो है वो इन्ना का इसम हो, काना की खबर हो या मफूल हो, तो वो नसब की हालत में चला जाएगा। बाकी चीजें जो है उनमें ये फॉल कर नहीं सकता, रब्बा यानी वजह में और उन चीजों के अंदर ये आ नहीं सकता, क्योंकि ये वजह बताने वाली चीज नहीं है, हाल भी इसी तरह ये नहीं बताया जा सकता इसका। तो उसी में से तो एक नई चीज हम पढ़ रहे हैं ना, कि जब कोई भी पुकारा इसम ताल्लुक जाए, की जोड़ी का पहला इसम हो और उसको पुकारा जा रहा हो तो उसके नसब में आने की भी कोई ना कोई वजह होगी ना, वो वजह जो है वो उन्हीं वजूहात में से एक वजह हमें मिल गई है कि जब इसको पुकारेंगे तो ये इसको नसब के साथ पुकारेंगे। ठीक है सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। ठीक है, इसी तरह ठीक है जेर है तो जेर से पहले भी जा रहे हैं, हम कोई ना कोई वजह ढूंढेंगे कि यहाँ जेर की हालत में ये क्यों आ, जर के साथ क्यों आ रहा है। अच्छा जी, तो पहला जो आ गया जी, यहाँ पे छह पहले पढ़ चुके थे और सातवीं जो वजह है वो या रब्बल आलमीन किसको पुकार रहे हैं, यानी ताल्लुक की जोड़ी में अगर अल्फाज आ रहे हैं जिसको पुकारा जा रहा है तो वो भी नसब में होगा, जैसे या रब्बल आलमीना फिर ली, ए तमाम जहानों के रब मुझे माफ फरमा। सातवां, आठवीं चीज है किस गोशे में, बाजू का जुमले में कोई एक जो है ना कंफ्यूजन रह जाती है और इबहाम रह जाता है, उस इबहाम को दूर किया जाता है एक लफ्ज के साथ, मसलन मैं आपको कहता हूँ अंत खैरुन, आप बेहतरीन है, अंत खैरुन आप बेहतरीन है, आप खुद या कोई और सुनने वाला उसके जहन में एक सवाल उठेगा कि बेहतरीन होने के कई पहलू हो सकते हैं, किस हिसाब से बेहतरीन है, माल के एतबार से बेहतरीन है, इल्म के एतबार से बेहतरीन है, खूबसूरती के एतबार से बेहतरीन है, अखलाक के एतबार, बहुत सारी सूरतें हो सकती है ना पहलू बेहतरीन होने के, तो वो जो एक कंफ्यूजन पैदा हुई है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो लफ्ज आता है जो फिक्स कर देता है कि ये जिस भलाई की बात की जा रही है इससे मुराद ये है कि ये बंदा इल्म में बेहतरीन है।
बाकी सारी पॉसिबिलिटीज की नफी हो जाती है। इसको कहते हैं किस गोशे में, हर किसी भी कोई भी बात अगर की जाए जनरलाइज करके तो उसके कई पहलू कई गोशे हो सकते हैं, कौन में से किसी एक गोशे को फिक्स करने वाला तय करने वाला जो लफ्ज है वो भी नसब की हालत में आएगा। जुमला आपके सामने लिखा हुआ है, अंत खैरुन आप बेहतरीन है, गाफिरन माफ करने के एतबार से। अल्लाह को कहा जा रहा है अंत या रब्बल आलमीन इग़फिरली, ए तमाम जहानों के रब तू मुझे माफ फरमा। अंत खैरुन इसलिए कि तू बेहतरीन है, किस हिसाब से बेहतरीन है, अब अल्लाह की बेहतरी की क्या हम हुदूद तय करें, अल्लाह तो हर लिहाज से बेहतरीन है, हर लिहाज से बेहतरीन है, तो किसी एक खास को यहाँ पर जिक्र कर दिया क्योंकि हम मगफिरत मांग रहे हैं तो हमने उसी के रिलेटिव कोई एक लफ्ज लेकर आगे अंता खैरुन गाफिरन, तू माफ करने के एतबार से माफ करने में सबसे बेहतरीन है। जो कहते हैं किस गोशे में, ठीक है। और फिर ये इन्ना का इसम और काना की खबर, ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो ये तो हमारा रिवीजन है, ये कोई नई चीज नहीं है। वआलमू और मैं जानता हूं, अन्नल्लाह गफूरुन के बेशक अल्लाह माफ करने वाला है, वकानल्लाहु गफूरन और अल्लाह माफ करने वाला है। तो काना की खबर और इन्ना का इसम, इसको तो हम पहले से देख चुके हैं। और एक आखिरी चीज है इसमें पांचवी आज के सबक की, एक पूरी जिन्स की नफी कर दी जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा का तर्जुमा हम क्या करते हैं, नहीं कोई माबूद। ये कोई वाला जो मीनिंग आ रहा है ये कहां से आ रहा है, ला का माना नहीं, इलाह का माना माबूद, इल्ला का माना सिवाय, अल्लाह का माना अल्लाह, ये कोई वाला जो मफहूम है ये कहां से आ रहा है, ये नहीं नहीं कोई इल्ला की वजह, इल्ला का माना तो सिवाय है, नहीं सर इलाहा, इलाहा जो है वो नकरा है, इलाहुन मतलब ये जो इलाहा का वर्ड आ रहा है ये हमने पढ़ा था ना कि अल के साथ आए तो मार्फा होगा और अगर मार्फा ना हो विदाउट अल हो तो वही लफ्ज जो है वो कोई के माने भी देता है नकरा जो वर्ड, नहीं नहीं वो अगर नकरा होता तो फिर ये इलाहन होना चाहिए था ना, ला इलाहन क्यों नहीं है, इस कॉम्बिनेशन में आना, एक खास कॉम्बिनेशन ला के बाद एक इसम हो जो सिंगल जबर के साथ आ रहा हो और वो उमूम का माना दे रहा हो, यही एक इसको कहते हैं, ये पूरी जिन्स की नफी हो रही है। एक आदमी कहता है ला इलाहुन इल्लल्लाह, ये जुमला गलत है, ला इलाहुन इल्लल्लाह का माना है माबूद नहीं है अल्लाह के सिवा, माबूद नहीं है से मुराद यहाँ कंप्लीट नफी नहीं है माबूद होने की, तो कह सकता है जी माबूद नहीं है, झूठा सच्चा कोई आधा अधूरा कुछ ना कुछ तो हो सकता है, अल्लाह की तरह का कोई माबूद नहीं है, लेकिन जब कह दिया ला इलाहा कोई माबूद नहीं है, तो अब यहाँ पर माबूद होने की कोई भी जो सूरत है चाहे वो हक है या बातिल है, सच है या झूठ है, छोटा है या बड़ा है, सबकी नफी कर दी है, किसी किस्म का कोई माबूद नहीं है इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी को बढ़ा देता है किसी चीज की नफी करनी है। एक ये है मिसाल के तौर पे, एक जुमला ये है कि मैं कहता हूं ला रजुलुन फिद्दार, ये बड़ी कॉमन सी मिसाल है इस बात को समझाने के लिए, दो जुमले बोले जाते हैं, ला रजुलुन फिल बैती और एक है ला 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 रजुला फिल बैती, क्या तर्जमा है दोनों का, पहले वाले जुमले का तर्जमा है कोई नहीं घर में मर्द नहीं है, और दूसरे वाले का तर्जमा है कोई मर्द वो नहीं है, कोई मर्द, दोनों में क्या फर्क है, घर में मर्द नहीं है और घर में कोई मर्द नहीं है, समझे, अगर मर्द नहीं है तो मतलब कोई जवान मर्द या अर्निंग मर्द नहीं है, बच्चे हो सकते हैं बूढ़ा हो सकता है, तो कोई का मतलब है कि बिल्कुल कोई नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली किसी सूरत में भी नहीं है, यानी मेल स्पीशीज, हाँ बिल्कुल मेल स्पीशीज नहीं है जी, यानी ला रजुलुन फिल बैत से मुराद ये है कि घर में कोई, घर में मर्द नहीं है से मुराद ये है कि कोई अकिल बालिग समझदार जो जो है वो एक सेंसेबल मर्द है वो नहीं है,
कोई बच्चा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, कोई पागल दीवाना मजनून, स्पीशियस के लिहाज से देखें तो वो मर्द है, लेकिन उसको जो है वो किसी उसमें गिनती में नहीं ले रहे कि या तो वो बच्चा है या कुछ है, लेकिन लेकिन जब ये नीचे वाला ला रजुला फिल बैत की बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि कोई मर्द मेल जेंस में से कोई है ही नहीं घर में। दोनों के मफहूम में फर्क समझ में आया? ठीक है, तो ला जो है जी वो इस अंदाज से दोनों तरीके से हो सकता है। अब ये जुमले दोनों दुरुस्त हैं, ला रजुलुन फिल बैत और ला रजुला फिल बैत, दोनों का जो है वो इस्तेमाल होते हैं दोनों तरीके से अल्फाज, लेकिन जब इस्तेमाल होता है तो उससे फिर हमें ये तर्जमे के अंदर की गहराई की समझ आती है। देख रहे हैं, एक जबर जेर और पेश के बदलने की वजह से मफहूम जुमले का कहां से कहां चला गया। ला रजुलुन फिल बैत एक अलग मफहूम दे रहा है और ला रजुला फिल बैत एक अलग मफहूम दे रहा है। ऐसे ही ला इलाहा इला, इस ला को कहते हैं पूरी ला की पूरी जिन्स की नफी। जिन्स से मुराद क्या, यानी जो एक क्या कहते हैं वो स्पीशी है, मेल फीमेल या कोई और चीजें, अगर जानवरों की लें तो उन चीजों को भी लें, या किसी भी चीज, कोई भी जिन्स जो कई अफराद पर मुश्तमिल होते हैं, कहते हैं इंसान, इंसान एक जिन्स है, उसमें मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह रब होना, सच्चा झूठा बड़ा छोटा हक बातिल तमाम रब आ गए। ठीक है, और किताब, मेरे पास कोई किताब नहीं है, जब मैं कहता हूँ मेरे पास कोई किताब नहीं है तो मुराद क्या है, कि मेरे पास किसी किस्म की कोई किताब नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है। एक एक है, एक जुमला बोला जाए कि मेरे पास किताब नहीं है, और एक ये कहा जाए कि मेरे पास कोई किताब नहीं है, तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना। जी जी किताब सर, आ से रहा मुराद जी है किसी जी खास किताब की बात कर रहे हैं, वो नहीं है, उनके हाँ बाकी तो हो सब्जेक्ट सकते हैं, लेकिन कोई किताब जब कहेंगे तो माना क्या होगा कि कोई किताब, यानी जो की कोई ऐसी कोई किताब, भी चीज जिसको किसी बोला जाए किस्म वो की, मेरे पास किसी नहीं है। किस्म की कोई। तो इसको कहते हैं, इस ला का नाम ही रखा जाता है ला ए ला लिनफील जिन्स। अरबी में जब बोलते हैं तो इसको कहते हैं ला लिनफील जिन्स। ये जिन्स की नफी के लिए है, और उर्दू में इसको कह देते हैं लाए नफी जिन्स। अब आपको जो आसान लगे इसको अगर याद करना चाहें तो लाल नफील जिन्स ही अरबी में याद करें, या उर्दू के हिसाब से लाए नफी जिन्स याद कर लें, तो बहरहाल ये है एक ही चीज है ला, इस ला को। और इस ला की पहचान ही है कि इसके बाद आने वाला जो इसम होता है वो सिंगल जबर के साथ आ रहा होता है, सबकी हालत में आएगा, नसब की हालत, सिंगल जबर के सिंगल साथ होता है, नसब की सिंगल हालत। जबर के साथ। तो अच्छा, ये तो हो गया सर लाए नफी जिन्स, इसका मैंने आपको बता दिया। इन्ना का इसम और काना की खबर पहले पढ़ चुके हैं, ऊपर वाले जो दो थे इन दोनों के भी कोई ना कोई टर्म जाहिर है यूज किए रहते हैं, तो ये जो अंता खैरन वाला है इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है उसको कहते हैं तमयीज। उर्दू में हम कहते हैं ना तमीज, अच्छे बुरे की तमीज होनी चाहिए, तो क्या माना होता है अच्छे बुरे की तमीज होने का, अच्छा और बुरा जो है करना, उसको अलग अलग आपस उस कंफ्यूजन को दूर किया करना, पहचान करना। तो यहाँ पर भी जाए, क्या था, अंता खैरन में बहुत सारी चीजें मिक्स थी, अल्लाह तो रहम करने में भी है, मगफरत करने में भी है, रिज्क देने में भी बेहतरीन है, और रब होने में हर लिहाज से बेहतरीन है, तो बाकी सारी चीजों को साइड पे करके सिर्फ गाफिरन ने आकर इस जुमले के अंदर वो जो इबहाम था उसको तमीज कर दिया, उसको फर्क करके बता दिया, इसको कहते हैं तमयीज। किस गोशे में, इसके जवाब में जो लफ्ज बोला जाता है इसको नाम दिया जाता है तमयीज। और ये जो है किसको पुकार रहे हैं, ताल्लुक की जोड़ी को, तो जिसको पुकारा जाता है, हमने नादा का टेबल किया था किसी थ्री में, नादा जुनाती युनादी, नादा उसने पुकारा, युनादी वो पुकारता है, नादी पुकार, पुकार मुनादिन पुकारने वाला, मुनादिन पुकारने वाला, और मुनादन जिसको पुकारा जाए, जिसको पुकारा जाए, मुनादन जिसको पुकारा जाए, इसको मफूल है, इसको इसी को उर्दू में हम कह रहे होते हैं मुनादा।
मुनादा जिसको पुकारा जाए। और ताल्लुक की जोड़ी की का जो टर्म बताई थी वो क्या थी, याद है किसी को? इसको क्या कहते हैं इस्तेलाहन जो इसके लिए टर्म यूज की जाती है ताल्लुक की जोड़ी की, बताई थी? मुजाफ अलै मुजाफ, मुजाफुन इलेही। मुजाफ मुजाफो मुजाफ दो इसम होते हैं, ये जो पहला होता है इसको नाम दिया जाता है मुदाफ और इसको कहते हैं मुदाफ इलेही। तो ये टर्म इसके लिए यूज की जाती है किसको पुकार रहे हैं ताल्लुक की जोड़ी में, यानी ये मुनादा है और मुदाफ है। मुनादा मुदाफ, मुनादा यानी जिसको पुकार रहे हैं, और मुदाफ से ये पता चल रहा है कि यहाँ ताल्लुक की जोड़ी की बात हो रही है। हर वक्त जिसको पुकार रहे हैं वो नसब की हालत में नहीं होगा, बल्कि एक खास सूरत है कि जब वो ताल्लुक की जोड़ी होगी तो तब वो नसब की हालत में जाएगा। ठीक है, ताल्लुक की जोड़ी को जरूर जहन में रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सिफत की जोड़ी या इशारे की जोड़ी हो तो उसको भी हम कह दें क्योंकि ये जोड़ी है। तो हर जोड़ी अगर मुनादा हो तो वो नसब की हालत में नहीं जाएगी, सिर्फ ताल्लुक की जोड़ी अगर मुनादा बन रही है तो वो नसब की हालत में होगी। ठीक है जी, तो ये होगी हमारी ग्रामर का स्टडी कंप्लीट है। अब आइए देखते हैं इसकी कोई मिसालें और प्रैक्टिस हमें क्या मिलती है, किसको पुकार रहे हैं ताल्लुक की जोड़ी की मिसालें कुरान से, या अहलुल किताब ताल्लुक की जोड़ी है, अल्लाह ने कुरान में कई जगह पर इरशाद फरमाया या अहलल किताबी, या अहलल किताब। तो अहला ये मुनादा है और ये ताल्लुक की जोड़ी बन रही है, तो इसलिए ये अहला आया, अहलू नहीं आया। ए अहले किताब, निसा उन नबी, नबी की बीवियां, नबी की औरतें, निसा उन नबी, कुरान में अल्लाह ने फरमाया या निसा अन नबी जी, या निसा अन नबी जी। तो निसा आ पर जो जबर है ये भी इसी में आ रही है कि ये मुनादा है और ये ताल्लुक की जोड़ी का पहला इस्म बन रहा है। रब्बुना, वैसे हमने पढ़ा रब्बुहु रब्बुम रब्बु का रब्बी रब्बुकुम रब्बुना, लेकिन रब्बना जब हम पुकारते हैं तर्जुमा रब्बन क्या लिखा हुआ हमें अक्सर रब्बाना नजर आता है, लेकिन तर्जुमा हम करते हैं ए हमारे रब, तो जो या जो है वो अंडरस्टूड होता है, तो या रब्बाना ए हमारे रब। ठीक है, कुरान से मिसालें होगी। गोशे की मिसालें, रब्बी जिदनी इल्मन, किसी वन से पढ़ते आ रहे हैं, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे। अब ज्यादती की तलब इंसान को मुख्तलिफ पहलू से हो सकती है, माल ज्यादा चाहिए और पैसा ज्यादा चाहिए और नस्ल ज्यादा चाहिए, कुछ सुकून ज्यादा चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो इल्मन ने आकर बाकी सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर दिया, अल्लाह ए मेरे रब मुझे ज्यादा कर इल्म में, रब्बी जिदनी इल्मा। अल्लाहु खैरुन गाफिरन, अल्लाह बेहतरीन है माफ करने में। और इन्ना का इसम और इन्ना की बहनें, इनको हम पिछले इस्बाब में सीख चुके हैं, इन्नल्लाह गफूरुन रहीमुन और इन्ना रब्बका हकीमुन अलीमुन और अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ये मिसालें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। काना की खबर और उसकी बहनें, कान अल्लाह गफूरन रहीमा, कान अल्लाह अलीमन हकीमा, कान अल इंसानु कफूरा, इंसान नाशुक्रा है। 10 सूरतें हो गई, पूरी जिन्स की नफी कुरान में से ला रईब फीही। अब जी जब हम ला रईब फीही पढ़ेंगे तो अगर हम लाए नफी जिन्स को समझ चुके हैं तो हमारे जहन में एक वसी मफहूम समझ में आएगा, ला रईब फीही, किसी किस्म का कोई शक नहीं है, छोटा बड़ा कोई बेस वाला है या बेसलेस है, किसी किस्म का कोई शक नहीं है इसमें, ऐसी ला रैब किताब है। तो ला रैब का मफहूम जो है वो अब हमारे जहनों में मजीद खुलकर वाजे हो गया कि ला रईब फीही क्या है। ला जुल्मल यौमा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमा ला जुल्मल यौमा, आज तुम पर कोई जुल्म नहीं है। तो ला जुल्मा, कोई जुल्म किसी किस्म का छोटा बड़ा कोई जुल्म जो है वो नहीं होगा आज के दिन। और जी अज़कार से एक मिसाल है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, किसी किस्म की कोई ताकत नहीं है, किसी किस्म की कोई कुव्वत नहीं है सिवाय अल्लाह की मदद और तौफीक के। ठीक है, तो ये अगर ला रेबू हो तो इसका वैसे लफ्जी मतलब शक नहीं, ऐसे भी हो सकता है, और ला ला रही रेबा है तो ला रही, अगर पेश के साथ करेंगे ना तो फिर वो डबल पेश ले लेगा, ला रही बुन अच्छा कि शक नहीं, और अगर ला शक रही नहीं, बा तो फिर आएगा कि कोई शक फिर आएगा नहीं। कोई शक नहीं।
ठीक है, थैंक यू है जी। तो पर सर ये हम हमारे इसमें अल को का इजाफा कर देंगे या ला के बाद अल हम यूज ही नहीं करेंगे सर, इससे जरा थोड़ा क्लियर कर दें। ये पहचान ही इसकी ये है कि ला, ये जो ला है नफी, पूरी जिन्स की नफी वाला, इसके बाद आने वाला जो इसम होता है उसके शुरू में अल भी नहीं होता लेकिन आखिर में तनवीन भी नहीं होती। ओके और ठीक जबर है, होता है, ये यही भी जरूरी है। जो वो तो डेफिनेट है ना कि जबर होगी ही होगी। ठीक ठीक है, हमने शायद पिछले लेसन में बात की थी कि कोई भी इसम है तो असल ये है कि उसको अल के साथ लिखा जाए अनलेस के कोई वजह होनी चाहिए। तो उन वजूहात में से एक वजह तो ये थी कि मुब्तदा की खबर है, नकरा बनना चाहिए तो इसलिए अल नहीं आएगा। एक वजह ये बताई थी कि ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम, उसके अंदर ही हमने मस्त करार दिया है कि उसके शुरू में अल नहीं होना चाहिए और आखिर में तनवीन भी नहीं होनी चाहिए। एक ये तीसरी सूरत देख लें कि ये जो पूरी जिन्स की नफी वाली ला है, इस ला का जो इसम आएगा वो भी बगैर अल और बगैर तनवीन के होगा। ठीक है, इसको कहते हैं कि ये ला राइबा में कहेंगे, राइबा जो है ये इस पूरी जिन्स की नफी वाली जो ला है या लाए नफी जिन्स है ये उसका इसम है और फी ही जो है ये उसकी खबर बन रही है। हम आगे थोड़ा सा खबर की किस्में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह कि खबर कितनी सूरतों में आ सकती है। जी डॉक्टर साहबा, ये सर किसको पुकार रहे हैं, इसका कोई नाम नहीं आपने बताया ये मैंने बताया नहीं। ना मुनादा मुदाफ, अच्छा मुनादा मुदाफ उसी का नाम बताया। ठीक यस है चलिए जी, दूसरा लेसन आया नंबर 137 और 138। कोई और सवाल है किसी का, अगर तो बल्कि क्वेश्चन अगर हैं भी यस तो अगर अभी नो। सर, एक जी है जी 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 सर, जी वो सिस्टर। लहू जो सा लफ्ज है तो इसको हमने जार मजरूर की जोड़ी भी कहा, जबकि हमने ली कहा कि लाम के नीचे जेर है तो वो जार मजरूर में आता है, लाम के ऊपर जबर वाला नहीं आता, नहीं आ आ सकता है सकता है। लाम और के वैसे आ लाम सकता है। के ऊपर जबर हो और किसी लफ्ज के साथ वो लगे तो वो अलबत्ता का या जरूर का मतलब भी देता है कि देता है ये, लाम जबर वाला तो ये जब फर्क। हो, यही तो फर्क है कि लाम जबर वाला जब आएगा ना तो उसके बाद वाला इसम फिर जर की हालत में नहीं जाएगा। जी पढ़ा जी क्या है, वलव अन्नहुम आमनू वत्तकौ लमसूबतुन, लाम जबर के साथ था और मसूबतुन था, तो जी ये आखिर में उसका पेश होना ही ये बताता है कि ये जो यहाँ पर लाम है ये जड़ वाला लाम नहीं है, ये ताकीद वाला लाम है, अलबत्ता वाला लाम है। वो बस मैंने यही पूछना था कि जर वाला जो लाम है उसके नीचे हमने वैसे तो जेर पढ़ा था, लेकिन जी, लहू में तो जबर आती है तो वो भी जार मजरूर के साथ। जमीनों जमीरों के साथ ऐसा होगा, बाकी कहीं पर भी आएगा तो उसमें वो लाम जेर के साथ ही आएगा, लिल्लाही लिरब्बिल आलमीन, सब जगह पर जेर के साथ ठीक ही आ रहा है। है, ठीक है, थैंक यू सर। लामसूबतन है तो वो जार मजरूर की जोड़ी नहीं, हम कहेंगे वो ताके वाला आएगा वो ला उसको फिर। जो हाँ ला उसको, ताके हाँ भी नहीं है, वो अलबत्ता वाला है, ताकि अलबत्ता वाला, सॉरी ताकीद अलबत्ता वाला, वाला है। अलबत्ता वाला ताकि। शुक्रिया। अच्छा जी चलिए जी, आ जाए इसका, हम इशारे पर आते हैं। तो दूसरा इशारा है, अगर वो ईमान लाएं तुम जैसा तो, कुल इशारे थे हो जाओ यहूदो नसारा, अगर वो ईमान लाएं तुम जैसा तो, अल्लाह के बारे में झगड़ा बड़ा जालिम जो शहादत छुपाए, हो जाओ यहूदो नसारा अगर वो ईमान लाए तुम जैसा तो, अल्लाह के बारे में झगड़ा बड़ा जालिम जो शहादत छुपाए। तो दूसरा इशारा है, अगर वो ईमान लाए तुम जैसा तो, अल्लाह ने हमसे इस बात का मुतालबा फरमाया कि हम खुद को अल्लाह के सुपुर्द करने का सही तसव्वुर पेश करें, तो इसी नसीहत को अल्लाह ताला यहाँ जिक्र फरमा रहे हैं। ठीक है जी, शायद के कॉन्टेक्स्ट को सामने रखिए कि ये आयात नाजिल हो रही है जब तो उस वक्त के फौरी और डायरेक्ट मुखातिब जो लोग हैं, वो या उन लोगों को एड्रेस करके कहा जा रहा है कि अगर बाकी लोग जो ईमान नहीं लाए हैं और वो अब ईमान लाना चाहते हैं तो उनके लिए रोल मॉडल और मेयार क्या है ईमान के हवाले से, किस पैमाने पर उनको परखा जाएगा। तो जिस तरह का ईमान ए जमाते सहाबा ए मेरे नबी के साथियों तुम ले आए हो, बाकी लोग भी अगर ईमान के उसी लेवल पर आएंगे या उसी तरह का ईमान लाएंगे जिस तरह तुम लाए हो तो वो हिदायत पर है, लेकिन अगर उससे हटते हैं, वो कोई रूगरदानी करते हैं, वो कोई अपनी तशरीहात कर लेते हैं तो फैनमा हम फी शिका। ठीक है, तो इस बात देख रही है, जो लोग कुरान पर ईमान लाते हैं वही लोग सही हिदायत पर हैं,
और फिर बात साफ हो जाने के बाद भी अगर वो ईमान नहीं लाते तो ये उस बात की निशानी है कि उनके दिलों में जिद और सरकशी है। और अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रंग में रंगे जाओ, यानी अपने अकीदे में, अमल में, हर वक्त और हर हाल में अल्लाह के दीन की पैरवी करने का मुतालबा किया जा रहा है। यहाँ पर भी तीन नए अल्फाज आ रहे हैं, तो कौन से कोई दो लोग जो है वो इन दो आयतों का तर्जमा करना चाहेंगे जल्दी से, डॉक्टर साहबा के अलावा नए लोग अगर सामने आए? जी सिस्टर सफिया, जी सिस्टर सफिया कीजिए। आमनू बिमिसली, ईमान लाए। ऊपर ऊपर फाइन भी है, वो ऊपर फाइन है जी, मेरे पास से गायब क्यों? अच्छा हाँ ठीक फाइन। फिर अगर आमनू तुम ईमान लाए हो। नहीं, एक अल्फाज को नोट करते हुए चलें। एक चीज जब मैं इस तरीके से तर्जमा करने का कहूं तो डेफिनेटली आप लोगों ने कहीं ना कहीं तर्जमा पढ़ा होगा, तो उस तर्जमे को जरा साइड पर रखते हुए, साइड पर यूं कि वो जहन में तो जाहिर है आपके आएगा, लेकिन आप लफ्ज का तर्जमा करने की कोशिश करें। फाइन एक एक लफ्ज लेकर तर्जमा करें जी। नहीं लफ्जी ही कर रही हूँ। फिर अगर मनु तुम ईमान लाए। नहीं तुम क्यों होगा, आमनु का इशारा क्या बनेगा? वो ईमान, वो ईमान लाए, वो ईमान लाए। बेमिसली मिसाल के साथ जो आमन तुम क्या तुम ईमान लाते हो। बेमिसली मिसाल उसकी माँ जो आमन तुम, इशारा करें क्या बनेगा इशारा, सामने दाएं बाएं बाहर की तरफ। तुम ईमान लाते हो, तुम ईमान लाए, लाते हो नहीं लाए, माजी है ना, तुम ईमान लाए सही रही। इससे फकद फिर अलबत्ता तहकीक के इहतदू हिदायत, वो हिदायत पर है, उन्होंने हिदायत पाई, इहतदा उसने हिदायत पाई, इहतदाउ उन सबने हिदायत पाई जी। वाइन और अगर तवल्लो तवल्ला का क्या माना पड़ा था, तवल्ला फेरते हो या फिरते हो, फिरते हो हाँ। खुद फिर जाना, तो तवल्ला वो फिरा, तवल्ला वो फिरा, तवल्लो वो फिरे, वो सब फिरे। वा इन तवल्लो तर्जमे पे है, वा इन तवल्लो और अगर तवल्लो तुम फिरते हो, फिरे तुम क्यों? फिरे नहीं। वो फिरे सॉरी और अगर वो फिरे जी, और अगर वो फिरे फइन्नमा फिर बस यही हम वो फी इसमें शिकाकिन शिकाक यानी दरार है, बदबख्ती या गुमराही कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, उसमें उस कहाँ से आया फी में, फी का तर्जमा तो सिर्फ मैं नहीं होना चाहिए, फी का मतलब मैं, मैं उस शिकाक का माना शिकाक ही करें आप, ठीक है, काफी है उनके लिए। एक सेकंड, फा फिर सा अनकरीब यकफी काफी होगा का आपको उनके मुकाबले में, काफी होगा का मतलब जैसे जैसे वो वाला नहीं है ना, उनके मेरे मैंने मैंने तर्जुमा किया एक मरतबा, फिर मेरे तर्जुमे को गौर से सुने जरा, फा उनको फिर सुन ले, फा फिर सा अनकरीब यकफी काफी होगा आपके पास का आपको, मेरी आवाज नहीं आ रही सर, आ रही है, आ रही है सर, बाकियों को आ रही है तो सिस्टर फिर आप जरा चेक कर लें, फा का माना फिर सा अनकरीब यकफी काफी होगा का आपको हम उनके मुकाबले में, शायद सिस्टर के पास कोई इंटरनेट के बारे में। अच्छा, फा
सा अनकरीब यकफी वो करते उनके लिए वो काफी है क्या होगा? काफी काफी होगा या काफी है जी। होगा हाँ, जैसे हम उनके लिए अल्लाहु सिस्टर का तर्जुमा अल्लाह जैसे क्यों कर रही हैं आप मुझे बताएं। का तर्जुमा, जैसे नहीं होगा अब मेरी आवाज आपको सही पहुंच रही है, आप सुने जरा। जी फा सर, तो सा अनकरीब यकफी काफी अनकरीब होगा का आपको हम उनके मुकाबले में, अच्छा सॉरी 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 हाँ हाँ काम ठीक है आपको ठीक है। उनके लिए अल्लाह उनके लिए नहीं, उनके मुकाबले में। उनके लिए उनको तो मुका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। आपके अच्छा लिए काफी होगा उनके मुकाबले में। उनके मुकाबले में अल्लाह होगा अल्लाह, वो असमील बहुत खूब सुनने वाला है, अल अलीम और बहुत खूब जानने वाला है आगे जजाकुमुल्लाह जजाकुमुल्लाह। दूसरी आयत कौन तर्जमा करना की चाहेंगे? सर मैं करूँ। जी सिस्टर साइमा मरियम। सिब आउज़ बिल्लाह शैतान सिब गादा रंग अल्लाह ही अल्लाह के वमन और कौन या जो अहसाना सबसे अच्छा है अहसनु, अहसनु हाँ सबसे अच्छा है मिनल्लाही अल्लाह से सिबगाता रंग में वनाहनु और हम लहू उसी के आबिदून इबादत करने वाले हैं। जजाकुमुल्लाह। तो ये यहां पर एक मिसाल हमें फिर से मिल गई है। सिबगता, अच्छा ये डायरेक्ट जबर से वही शुरू हो रहा है। सर ये सिबगत अल्लाह ये बहुत बहुत इसमें माने हैं और बहुत अच्छा लफ्ज है, मतलब कुरान पाक में जो इस्तेमाल हुआ अल्लाह का जी रंग जो अपना लिया जिसने जिसके नसीब में हुआ वो तो बस फिर उसका जी तो फायदा ही फायदा बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह का रंग क्या है, आगे देखते हैं अल्लाह के रंग से क्या मुराद लेते हैं। फइन आमनू, बस अगर वो ईमान लाए, बी मिसली मा उस जैसा जो, आमनतुम तुम ईमान लाए, बिही उस पर, फकद तो यकीनन, इहतदउ वो हिदायत पा गए, व इन और अगर, तवल्लउ वो मुंह फेरें या वो एराज करें, फ इन्नमा तो बेशक, महज हम वो सब, फी शिकाकिन मुखालिफत में है, गुमराही में है, सख्ती में है, बदबख्ती, इन सारे मानों में ये शिकाक का लफ्ज आता है। बस यकफी का हम, इसके टुकड़े करें जरा कितने बने हैं, हमने तर्जुमा भी बड़े डिटेल से किया है इसका, कितने टुकड़े बन रहे हैं एक बस यकफी दो तीन का चार हम? पांच पांच, टुकड़े बन जाएंगे, पांच पांच सर, पांच का सा पांच यकफी सा का यकफी सा यकफी का और और फिर पांच हम टुकड़े बन रहे हैं। तो ये आपके क्विज में दिया जा सकता है कि इसके कितने टुकड़े बन रहे हैं। ठीक है, नोट। मैंने का हूँ ये एक नहीं, एक नहीं होगा ना, पांच कैसे टुकड़ा करेंगे अगर होगा इसको एक करें तो। का अलग है, हम अलग है। ठीक अलग अच्छा है, सा यकफी और का फी को यहाँ पे सब और का जो है तुम के लिए इस्तेमाल हो हम। रहा है यकफी एक्चुअली यहाँ पर फेल यूज हो रहा है ना, कफा यकफी, काफी होना, तो यकफी वो काफी होगा। किसे? का आपको, आपको किसके अगेंस्ट या किसके खिलाफ? हम उनके खिलाफ। कौन काफी होगा? अल्लाहू, अल्लाह का। ठीक अल्लाह है, वह हुआ और वो असमीउ सुनने वाला है, अलालीम खूब जानने वाला है। तो जिस तरह, उस तरह जिस तरह तुम ईमान लाए, यहाँ मुखातिब कौन है? ये उन लोगों के लिए भी और हम मुसलमानों के लिए भी है कि ईमान के तमाम शोबों में, जैसे इबादात, अखलाकियात वगैरह में, कयामत तक के लिए एक पैमाना और मैयार है। हमें ये देखना है कि सहाबा इकराम का ईमान और उनके अमाल कैसे थे। क्योंकि मैंने अर्ज की कि ये, हम इस बात को जहन में रखें कि जब ये आयात नाजिल हो रही हैं तो उस वक्त में आमन तुम सब में कौन लोग हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आसपास जो आपके साथी मौजूद हैं, वो मुराद है। उनको मुखातिब करके कहा जा रहा है कि जिस तरह तुम लोग ईमान लाए हो, अगर बाकी लोग भी तुम्हारे जैसा ईमान लाए तो वो हिदायत पर है। तो उस दौर में भी और आज के दौर में भी मेयार और कसौटी बन गया है सहाबे किराम का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का ईमान और उनके अमल।
जिस तरह का ईमान और अमल उनका था आज के दौर तक और क़यामत तक, जिसका ईमान और अमाल उनके ईमान और अमाल के बराबर और उस पैमाने के तो ऊपर पूरा उतरेगा तो उसको हिदायत याफ्ता कहा जाएगा, जो उससे हटकर काम करेगा उसको और कुछ भी कहा जा सकता है लेकिन उसको हिदायत याफ्ता उस मानों में नहीं कह रहे। ठीक है जी, तो बात साफ हो जाने के बाद भी अगर वो ईमान नहीं लाते तो ये इस बात की निशानी है कि वो लोग जिद में, फइन्नमा हुम फी शिकाक, सख्ती में, जिद में। आपके जिम्मे जो काम था वो आपने पूरा कर दिया, इसलिए अब परेशान ना हो। अब फसयकफी का हुमुल्लाह, अब भी अगर वो आपके मुखालफत में आएंगे तो अल्लाह उनसे निमट लेगा, यकफी का निमट लेगा अल्लाह उनसे आपके तरफ से होकर। हम एक दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाह हम तुझे आगे करते हैं उनके मुकाबले में और हम उनके शुरूर से तेरी पनाह मांगते हैं। यानी हमारी तरफ से, हम तो इसकी जो है वो हमारे अंदर सलाहियत नहीं है कि हम अपने दुश्मनों से जो है वो लड़ सकें और उनका मुकाबला कर सकें, तो हम तुझे अपनी तरफ से जो है वो बनाते हैं कि तू हमारी तरफ से मुकाबले में आ जा। तो यहाँ पर अल्लाह उसी तसल्ली को बता रहे हैं कि फिर भी अगर वो मुखालफत में आते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह निमट लेगा उनके लिए, उनसे आपकी तरफ से, आपकी तरफ से अल्लाह उनको काफी हो जाएगा। दूसरी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके इरशाद फरमाया, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि अल्लाह आपको लोगों से महफूज रखेगा। तो ये गोया बता दिया कि आपकी जिम्मेदारी पैगाम पहुंचा देना है, अब आगे मानना या ना मानना लोगों की जिम्मेदारी अपनी उनके ऊपर है। मान लेंगे तो फायदा है, नहीं मानेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं है। अस्समीउ, इन सब मामलात के बारे में वो तुम्हारी बातों को सुन भी रहा है और उनकी बातों को भी सुन रहा है, और अल आलीम, वो नीयतों और कामों को अच्छे तरह से जानता है। हदीस दीजिए, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान के 70 से ज्यादा या 60 से ज्यादा शाखें हैं, शोबे हैं। فأفضلها قول لا إله إلا الله, और उन 60 या 70 से ज्यादा जो शाखें हैं उनमें सबसे जो अफजल शाख है वो है لا إله إلا الله कहना। وأدناها, और उसका सबसे कमतर यानी उन शाखों का सबसे कमतर शाख क्या है, हिमापतुल अदा अनित तरीक, रास्ते से किसी तकलीफ दे चीज का हटा देना है, कोई ऐसी चीज जो रास्ते में तकलीफ का बायस बन रही है उसको हटा देना, ये अदना तरीन दर्जा है ईमान का। वल हया उशबतुम मिनल ईमान, और हया ईमान की एक शाख है। ठीक है जी, हया को यहाँ पर बतौर खास जिक्र किया है, तो यानी अहम चीजों को जो है वो यहाँ पर पॉइंट आउट, यानी एक बता दिया हायर डिग्री के सबसे अफजल क्या है, एक बता दिया सबसे लोअर लोएस्ट, और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज थी कि हया इख्तियार रखना, हया को जो है वो अपनाना, ये ईमान के शोबों में से एक शोबा है। यानी इम्पोर्टेंस बताई है यहाँ पर इस हदीस में हया की भी, अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। पढ़ लीजिए शायद को, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फइन आमनू बिमिस्लि मा आमनू बस, अगर वो ईमान लाए जैसे तुम ईमान लाए हो उस पर तो यकीनन वो हिदायत पा गए। और अगर वो एराज करें तो बेशक वही मुखालफत में है। पसन करीब अल्लाह आपके लिए उनके मुकाबले में काफी होगा और वो सुनने वाला और खूब जानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी आयत है सिबगतल्लाह, सिबगा कहते हैं रंग को, सिबगतल्लाह ही अल्लाह का रंग, ब्रैकेट्स में लिखे हुए इख्तियार करो, इसके क्या माना है, ये गोया बता रहा है कि यहाँ पर सिबगता जो नसब की हालत में आ रहा है उससे पीछे इख्तियार करो, ये फिर अमर को ये छुपा हुआ है, इख्तियार करो, इख्तियार कर, इख्तियार करो, फिर अमर हुक्म दिया जा रहा है, तुम सब इख्तियार करो। किसको, तो किसको का जवाब आता है तो किस हालत में आता है, हालत में नस्ब की, मैं याद कर, मैंने याद किया, सवाल आया किसको, तो अल्लाह आया, इख्तियार करो तुम सब किसको, सिबगत अल्लाह, अल्लाह के रंग को। तो यहां पर भी इख्तियार करो जिसका तर्जमा कर रहे हैं हम कह रहे कह सकते हैं कि इससे पहले एक
फेल है जो अंडरस्टूड होने की वजह से लिखा नहीं गया, जिक्र नहीं किया गया। तो सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग इख्तियार कर लो। वमन और कौन है अहसनु, ज्यादा अच्छा, मिनल्लाही, अल्लाह से, अल्लाह से अच्छा और अल्लाह से बेहतर कौन हो सकता है। सिबगतन, रंग के एतबार से, ये कौन सा आ गया सिबगतन, अभी पढ़कर आए हैं, नसब की हालत, ये नसब की कौन सी सूरत बन रही है, किसको का जवाब, हालत, इस किस गोश क्वेश्चन है, गोशा, ये गोशा आ गया। गोशा, और अल्लाह से अच्छा कौन है, अल्लाह से अच्छा कौन है, तो अल्लाह से अच्छा कौन है मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं, किस हवाले से चैलेंज दिया जा रहा है और कहा जा रहा है। सिबगतन कहकर बाकी चीजों को साइड पे करके आगे हम अल्लाह के रंग, रंग से मुराद क्या है इसको भी देखते हैं कि रंग क्या है। वह नहनु लहू आबिदून, और हम उसी की इबादत। इस्तेमाल किया आपने गोशा, क्या कहा है, किस गोशे में। अच्छा देखें, आपसे कोई कहता है वमन अहसनु मिनल्लाह, और अल्लाह से ज्यादा अच्छा कौन है। अब सवाल के जहन में, सवाल करने वाला, सुनने वाले के जहन में ये तय नहीं है कि यहाँ किस हवाले से अच्छा होने की बात की जा रही है। अल्लाह तो बहुत सारे जो है वो एतबार, हर लिहाज से अच्छा है। अल्लाह रब होने के एतबार से अच्छा है, अल्लाह राजिक होने के एतबार से अच्छा है, अल्लाह मालिक होने के एतबार से अच्छा है, अल्लाह खालिक होने, हर लिहाज से अल्लाह अच्छा है। तो यहाँ जो सवाल है ये किस पहलू से उठाया जा रहा है, तो वो जो सारी पॉसिबिलिटीज थी उनमें से सिबगतन लाकर तय कर दिया कि यहाँ बात हो रही है कि अल्लाह के, अल्लाह से अच्छा कौन है रंग के एतबार से। अब यहाँ रंग से मुराद क्या है इसको हम आगे शरह में देखते हैं। डॉक्टर इफ़त, आप कुछ सवाल करना चाह रही हैं, आपका हैंड रेज हुआ था। बाय मिस्टेक हो गया, मैंने नीचे कर लिया, वो गलती। थैंक यू जी। वनहनु लहू आबिदून, और हम उसकी इबादत करने वाले हैं। अल्लाह के रंग को इख्तियार कर लो, क्या मुराद है। जब आप किसी कपड़े को कोई खास रंग में रंगते हैं तो उस कपड़े के हर धागे के हर रेशे में वो रंग समा जाता है। आप लोग ख्वातीन ने क्लास में अक्सरियत ख्वातीन की है, और ये आप लोगों का जो है वो एक रूटीन का काम होता है जी, कोई कपड़ा लिया तो उसको डाई करवाना है, आप उसको देकर आते हैं। व्हाइट रंग का जो है वो दुपट्टा होगा या कोई भी कपड़ा होगा, आप उसको कहते हैं उसको रेड कलर में जो है वो डाई कर दो, वो रेड करेगा। उसके बाद अगर आप उसके एक एक धागे को निकालें तो उसके हर धागे की कहीं पर भी व्हाइट नजर नहीं आएगा, सब जो है वो दूसरे कलर में जा चुका होगा। तो गोया हम पर भी, हम अपने आप को अल्लाह के रंग में रंग दें इस अंदाज से कि हमारा रुआ रुआ अल्लाह के रंग में रंगा हुआ हो। और वो रंग क्या है, कुरान और हदीस हमारे दिलों में बैठ जाए, फिर हमारा अकीदा, अमाल, लिबास, बातचीत, अखलाक, मामलात, माशरत, मईशत, हर चीज में अल्लाह की इताअत छलक रही हो, इसको कहा है सिबगत अल्लाह, यानी अल्लाह की इताअत का रंग, अल्लाह की मोहब्बत का रंग। ठीक है, हमारे यहाँ जो है वो शुआरा जो है वो इस्तेमाल करते हैं इस जो है वो तरकीब को अपने जो है वो ममदूह के लिए, जिसके लिए वो को गजलें लिखते हैं कि हम तुम्हारे रंग में रंगे जाएं। तो रंग में रंगना क्या है कि जो उसको पसंद है मैं वो कर लूं, तो अल्लाह के रंग में रंगना है तो गोया यानी जो अल्लाह को पसंद है वो हम कर लें। अल्लाह के रंग में रंगना यही है कि जो अल्लाह की मंशा और चाहत है हम उसको इख्तियार कर लें और उसको अपने ऊपर लागू कर लें। इसमें अल्लाह से बेहतर कौन हो सकता है, यानी ऐसी ऐसा बेहतरीन चाहत और ऐसी बेहतरीन जो है वो अहकाम अल्लाह के अलावा किसी के नहीं हो सकते कि उन हुक्मों को पूरा करने पर। देखिए, अकल तो ये कहती है ना कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, दुनिया में जिंदगी दी, रहने की जगह दी, ठिकाना दिया, इतनी सारी नेमतें दी, और उसके बाद कुछ हुक्म दिए, तो अब ये हमारे ऊपर जरूरी होता कि हम उन हुक्मों को पूरा करते और ये काम बराबर सराबर हो जाता कि अल्लाह ने हमें दुनिया दी थी, हमने कुछ अमल कर लिए, उन अमलों की वजह से वो गोया के हमने कीमत अदा कर दी अल्लाह की नेमतों की। यही एक अकल बनती है कि कोई इंसान किसी को कुछ देता है और उसके बदले में वो कोई काम कर देता है तो कहते हैं जी ये हमारा बराबर का मुआवजा हो गया। यहाँ अल्लाह का बेहतरीन अंदाज है कि अल्लाह ने पहले दुनिया में रहने को जगह दी, सारी नेमतें दी, फिर उस पर कुछ हुक्म दिए। अब बात यहाँ पूरी हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर बात पूरी नहीं की। अल्लाह ने कहा अगर ये मेरी नेमतों को इस्तेमाल करो, फिर मेरे कुछ हुक्म है उनको पूरा कर लो, उसके बाद दोबारा मेरे पास आओ, तो फिर मैं तुम्हें वो नवाजूंगा कि जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये है अल्लाह का रंग कि अल्लाह नेमतें दे देकर
अहकाम दिए हैं जिंदगी का एक मुख्तसर अरसा जिसको कहा मेरी मर्जी से गुजार के आ जाओ, उसके बाद जो मिलेगा उसके बारे में तो तुम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला हमें ये इदराक और फहम नसीब कर दे कि हम इस दुनिया में बहुत मुख्तसर वक्त के लिए हैं, हमने आगे जाना है तो उस जाने की तैयारी करनी है। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन खातमा और बेहतरीन आखिरत हम सबकी बना दे अल्लाह ताला, आमीन। पढ़ लीजिए जरा, सिबगत अल्लाह का रंग इख्तियार करो, अमन अहसन मिन अल्लाह सिबगह, और कौन ज्यादा अच्छा है अल्लाह से रंग में, वनहनु लहू आबिदून, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। तर्जुमा हम देख चुके हैं, इसबाक एक मरतबा फिर से दोहरा लें। वो लोग जो कुरान पर ईमान लाते हैं वही लोग सही हिदायत पर हैं, और बात साफ हो जाने के बाद भी अगर ईमान नहीं लाते तो ये इस बात की निशानी है कि वो लोग जिद में हैं। अल्लाह के रंग में रंगे जाओ, यानी अपने अकीदे अमल और हर हालत में, हर मामले में, हर हाल में अल्लाह के दीन की पैरवी करो। तो हम इन आयात की रोशनी में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जिस तरह सहाबाए किराम ने इस्लाम की पैरवी की उसी तरह हमारे लिए भी इस्लाम की पैरवी करना आसान बना दे और गुमराह होने से हमारी हिफाजत फरमा। या हमें कैसे पता चलेगा कि सहाबा ने क्या किया, तो हम प्लान बनाएंगे कुरान और हदीस का, सीरत का, और सहाबाए किराम की जिंदगियों का मुताला करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि वो क्या तालीमात थी जो नबी से कुरान में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में मिली, फिर उन अहकामात और उन तालीमात के मुताबिक सहाबा ने अमल कैसे किया ताकि हम सही तरीके से उनकी पैरवी कर सकें। अस्मा और अफाल देख लीजिए, हसन इसका आगे जो लिखा हुआ है आपकी बुक में भी इसके साथ ऊपर की तरफ जाता हुआ एक एरो दिखाया गया, इससे मुराद क्या होता है कि ये इसकी दिन जमा नहीं है बल्कि ये इसका बल्कि इसम तफदील है, हसन से अहसन डिग्री ज्यादा अच्छा, या जमा की बात नहीं है। इसको नोट कर लीजिए, अगर सवाल आता है कहीं पर कि इसके जमा क्या है तो हसन की जमा जो है वो अहसन नहीं है बल्कि ये इसका इसम तफदील जो है वो अहसन आता है। अफाल में आबिदून, आबदा से इस्मुल फायल है, आबिद आबिदून, आबदा या अबुदू से इबादत करना, और कमजोर अफाल में यकफी आया है, अदा या हदी की तरह टेबल है, कफा यकफी इकफी काफिन मकफीयुन किफायतुन, कफा का माना वो काफी हुआ, कफा यकफी इकफी काफिन मकफीयुन किफायतुन, काफी होना, और कफा का माना वो काफी हुआ। मजीद फी में इहतदा हुआ आया, इहतदा यहतदी इहतदी मुहतदिन मुहतदन इहतिदाउन, ठीक है। और तवल्लु तवल्ला या तवल्ला, ये टेबल भी हमने किसी थ्री में डिटेल से पढ़ रखा है। शिका ये है, शाप युशापु, हासब युहासिबु का पैटर्न है लेकिन इसमें मादे में दो हरूफ एक जैसे आ गए हैं, शीन काफ और काफ, तो जब ये दोनों इकट्ठे आ गए तो अब मर्ज किया जब तो शाका बना था असल में, तो जब इनको मर्ज किया तो ये बना गया शाका युशाकु, और या इसको खोल देंगे शाकिक, और इस्म फाइल और इस्म मफूल दोनों जाहिरी तौर पर देखने में एक जैसे नजर आ रहे हैं, मुशाकुन मुशाकुन, लेकिन इस्म फाइल असल में क्या था अगर हम खोल कर पढ़ें तो हासब से इस्मुल फाइल क्या पढ़ा था हमने, हासब यु हासिबु हासिब इस्मुल फाइल जी, हासिबत मुहासिबुन, तो हासिबुन यहाँ पर फिर क्या करेगा, मुशा इस्मुल फाइल मुशाकिकुन मुशाकिकुन, और इस्म मफूल मुशाकाकुन, लेकिन चूंकि दोनों एक जैसे हैं इसलिए उनको मर्ज कर दिया तो दोनों में एक जैसे नजर आ रहे हैं। शिकाक मुखालफत करना, जिद करना, सरकशी करना, इन सब मानों में इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। यहाँ पर भी जोड़ियां हैं, बी से काकिन जार मजरूर की जोड़ी, बी मिसली जार मजरूर की जोड़ी, बिही जार मजरूर, और मिनल्लाही जार मजरूर, ताल्लुक की जोड़ियां कौन कौन सी हैं जी, सिबगतल्ला सिबगत अल्लाह, सिबगतल्ला गोशे वाला भी यहाँ पर एप्लीकेशन आ गई, सिबगतन वमन अहसनु मिनल्लाह सिबगतन, ये गोशे और तमीज वाली एप्लीकेशन भी आ गई जो हमने आज देखी है, ठीक है। कोई सवाल, सर, ये ज्यादा अच्छे के लिए आसान हुआ है तो सबसे अच्छे के लिए क्या इस्तेमाल होता है? अच्छा ये इसके यूजेज बताता है, अगर अहसनु के बाद यहाँ जैसे आ रहा है ना मिनल्लाह,
तो ये कंपैरेटिव है, अल्लाह से अच्छा कौन है, ये कंपैरिजन है, अल्लाह से अच्छा कौन है। अगर ये कंपैरिजन मिन के साथ ना होता, वमन अहसन, सिर्फ इतनी बात होती तो फिर होता सबसे अच्छा कौन, जी ठीक है। ये सही जो मिन सही अल्लाह आ गया ना, तो इसने वह कंपैरेटिव बता दिया कि अल्लाह से अच्छा कौन है। लेकिन अगर वमन अहसन होता, यानी आगे उसको खाली छोड़ दिया जाता ओपन, तो फिर माना होता सबसे अच्छा कौन है, सही ठीक है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी। अच्छा जी, ग्रामर इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं जी? ओ, अस्माए खमसा बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों की भरपूर तवज्जो चाहिए अगले कुछ मिनट के लिए। टाइम अगरचे हमारा करीब पहुंच चुका है, लेकिन इंशाल्लाह 10 मिनट में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन तवज्जो आपकी पूरी चाहिए, एक गहरी सांस लें ग्रामर पढ़ने से पहले। जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो बड़ी हमें जो है वो फ्रेशनेस की जरूरत होती है। हमने पिछले कोर्स में हमने पढ़े हैं अफाले खमसा, याद है किसी को? अफाले खमसा किसको जी कहते थे? फलूना, सर, ये फलानी, ये फलूना, फलानी, तफलूना, तफलीना, जी। वो पांच, थे यफ ये फलानी, ये फलूना, अलानी, यफ यफ फलूना, अलूना, अलानी, तफलानी, तफलूना, तफलूना, तफअलूना, तफालूना, तफालीना, 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 तफालीना। अच्छा, क्या बात थी इन पांचों में कॉमन, क्या चीज थी? छुरी चलने से नून गायब था। वो छुरी चलना तो नून चले बाद में आएगा ना, असल इब्तदाई तौर पर कॉमन ये है कि इन पांचों के आखिर में नून आ सब रहा है, नून आ रहे इन पांचों के आखिर में नून आ रहा है। या फालानी, या फालूना, तफालानी, तफालूना और तफालीना, इनको कहा था अफाले खमसा, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अस्माए खमसा। जब ये पांचों नून वाले थे, ये जो अफाले खमसा, तो इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि नसब और जज़्म की हालत में इन पांचों में एक जैसा ही अमल नजर आएगा हमें, यही था। यानी यह फालानी से पहले अगर मैं लगा दूं लम नीम के साथ तो क्या बराबर रहेगा? लम यफ आला, नून ड्रॉप हो लम जाएगा, लम यह फाला। इसी तरह यह फालूना से पहले लम आए तो नून चला जाएगा, ये सारे चले यफ जाएंगे, ठीक है। तो यानी इन सब का एक जैसा नजर आ रहा था हमें। और ये लम क्या करता है? जज्म देता है, जज्म की हालत में जब आएंगे तो नून चला जाएगा, इसी तरह नसब की हालत में। तो यानी गोया ये एक फैमिली है, ये पांच अफाल की फैमिली है, ग्रुप ऑफ पीपल्स है, कि इनके पीछे जब हथौड़ी चलेगी तो एक जैसा इनके ऊपर असर नजर आएगा हमें, और छुरी चलेगी तो भी इनका असर एक जैसा ही नजर आएगा। ये एक फैमिली की तरह है, यानी ऐसा नहीं है कि एक जैसे हमने बाकी चीजें देखी हैं कि कहीं पर जबर आ जाती है तो कहीं पर जेर आ जाती है, एक ही काम है। नहीं, हमने पढ़ा ना, एक लम फेल लेते हैं हम, लम उससे पहले लगाते हैं, तो एक है यफ़ाल, यफ़ालू है, इससे पहले लम आएगा तो जज़्म आ गई, ठीक है। इसी तरह दआ यदउ था, इससे पहले अगर लम आए तो फिर क्या होता है? नम यदु, वाओ चला गया। अब ये देखें दोनों में काम एक ही है, छुरी चल रही है, लेकिन छुरी का असर डिफरेंट नजर आ रहा है, इधर जज़्म आ गई है, इधर से वाओ गायब हो गया, ठीक है। लेकिन वो जो अफाले खमसा है वो सेम फैमिली है, तो वो जब भी आएगा तो उन सब के साथ एक ही तरह का अमल होगा, इसी उनको अफाले खमसा कहते हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अस्माए खमसा, इनके अंदर भी यही चीज है कि इनके साथ भी जब रफा नसब और जर की हम बात करेंगे तो इन पांचों में रफा नसब और जर की एक ही जैसी सूरत होगी, एक ही जैसी हालत होगी, ठीक है। ये हमारे पिछले की प्रैक्टिस है, इसको हम स्किप करते हैं, यहाँ आ जाएं जी। हम करेंगे अस्माए खमसा। अस्माए खमसा ये पांच अस्मा है, इस्म की जमा है अस्मा, नाम और खमसा पांच को कहते हैं, तो पांच अस्मा है, पांच नाम है। इन पांचों नामों को जब हम रफा नसब और जर में लेकर जाएंगे तो हमें, अभी तक हम रफा नसब और जर की अलामतें कैसे देखते हैं? मुस्लिमुन, रफा की अलामत क्या है? पेश पेश। मुस्लिमन, नसब की अलामत
जबर बाबर मुस्लिमिन जर की अलामत जेर जेर मुस्लिमूना रफा की अलामत नून से पहले वाला वाओ नसब और मुस्लिमीना नसब की अलामत या इसी तरह जर में भी मुस्लिमीना या या एक और देख ले मुस्लिमातुन रफा की अलामत अलिफ्ता अलिफ नहीं अलिफ्ता बदलेगा क्या जबर नून जबर सर जबर जबर मुस्लिमातुन अगर इसको जर की हालत में ले जाएंगे तो क्या बनेगा मुस्लिमातिन पेश बदलेगा सर पेश और जबर की तब्दीली है ना जी सर मुस्लिमातुन रफा की हालत में पेश है मुस्लिमातिन नसब में जेर आ गई है ठीक है जर में भी जेर है तो तब्दीलियों के हम इसको हम कह सकते हैं कि ग्रुप्स बन गए एक कॉमन अस्मा का ग्रुप है कि जहां रफा पेश के साथ नजर आएगी नसब जबर के साथ जर जेर के साथ ये एक टिपिकल अंदाज है किसी भी इसम का फिर दूसरी कैटेगरी है जो जमा मुजक्कर सालिम वाली कैटेगरी है उस पे जब हम रफा देखेंगे तो वाओ नजर आ रहा होगा नसब और जर में या नजर आ रही होगी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना तीसरी कैटेगरी हम ले लें जमा मुअन्नस सालिम की उसमें रफा पेश के साथ नजर आ रहा है नसब और जर दोनों में जेर नजर आ रही है ठीक है इन सब जगहों पर क्या है कहीं पर हरकत बदल रही है कि ये जो पांच हैं इनके अंदर जो तब्दीली आएगी वो उन अभी तक जो हमने जितनी पढ़ी है उन सब से हटकर एक डिफरेंट अंदाज की तब्दीली आएगी रफा नसब और जर में ये पांच अस्मा है क्या अबू अबू किसको कहते हैं हमू किसको कहते हैं हमू कहते हैं इन लॉज की तरफ से जो भी रिश्तेदार है इन लॉज ससुराली रिश्ता इसको यहाँ आगे स्लाइड्स में आपको शायद खुसर लिखा हुआ मिलेगा तो ससुराली रिश्ते जितने भी हैं वैसे इसके लिए ससुर या साला या बहनोई ससुर साला बहनोई यानी जो ससुराल में जितने भी मेल रिश्ते बनते हैं उन सबको हमू कह दिया जाता है अख भाई को कहते हैं और हू जो है इसको कहते हैं मुंह को और जू का माना वाला ये है अबू जईदिन बाप जैद का बाप फू जो है ये इस मुंह को कहते हैं फम मुंह को फू इसको अगर अकेला पढ़े तो ये फम होगा और हमू जो है वो खुसर यानी ससुर या ससुराली रिश्तेदार मेल को कहते हैं और अख भाई को कहते हैं इनके रफा नसब और जर की हालतें देखिए जी अगर ये रफा की हालत होगी तो ये वाओ आएगा आखिर में अबू अमू अखू खू जू मिसालों से देखें हम कहते हैं अबू बकरिन नसब में जाएगा तो ये हो जाएगा अबा हमा अखा फा और दा अलिफ नजर आ जाएगा हम कहते हैं अबा बकरिन ठीक है अबा बकरिन और जर की हालत होगी तो या नजर आ जाएगी अभी हमी अखी फी और जी अभी बकरिन अबू बकरिन अबा बकरिन अभी बकरिन इसको अगर याद रख लेंगे तो ये इजी हो जाएगा अबू हुरैरा था हम अहादीस पढ़ते हैं सुनते हैं तो अक्सर औकात कहीं पर हम कहते हैं काला अबू हुरैरा था रदी अल्लाह अन्हु तो अबू हुरैरा होता है अभी हमने थोड़ी देर पहले हदीस देखी तो वहां आया था अन अभी हो रही रहा था क्योंकि अन हर पे जर के बाद आ रहा था तो अभी हो रही रहा और कभी हम कहते हैं देखते हैं तो कोई रावी कहता है समितु अबा हुरैरा मैंने अबू हुरैरा को सुना तो ये डिफरेंट अंदाज में अबू अबा और अभी यानी बताना ये मकसूद है कि यहाँ पर जब रफा नसब और जर की तब्दीलियां आएंगी तो वो हमें जबर जेर और पेश की सूरत में बदलता हुआ नजर नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर जो तब्दीली नजर आएगी वो वाओ अलिफ और या की तब्दीली नजर आएगी ठीक है मिसालें देखिए जी हाजा अबू जईदिन ये जैद का बाप है रअईतु अबा जईदिन मैंने जैद के बाप को देखा समितु मिन अबी जईदिन मैंने जैद के बाप से सुना ठीक है हाजा हमू जईदिन ये जैद का खुसर है रअईतु हमा जईदिन मैंने जैद के खुसर को देखा समितु मिन हमी जईदिन मैंने जैद के ससुर से सुना हाजा अखू जईदिन ये जैद का भाई है
رأيت أخا زيد میں نے زید کے بھائی کو دیکھا سمعت من أخي زيد میں نے زید کے بھائی سے سنا سمجھ آ گئی جی اس کو آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے میں ایک جگہ پر کوشش کروں گا کہ اب تک ہم نے جتنا پڑھا اس کو سارے کو لکھ دوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک پکچر پوری واضح نظر آ جائے اور زو جو ہے زو یہ جب بھی آئے گا نا تو یہ زو کا معنی ہے والا ذل جلال اللہ ذل جلال اللہ جلال والا ہے دعوت ذل جلال میں نے پکارا یا میں نے بلایا جلال والے کو اعوذ بی ذل جلال میں پناہ میں آتا ہوں جلال والے کی اور فو منہ کو کہتے ہیں ہذا فو زید یہ زید کا منہ ہے رأیت فا زید میں نے دیکھا زید کا منہ اور الحلوۃ فی زید کیا ترجمہ ہے اس کا آخر میں جاتے جاتے جی حلوا یہ فو سے ایک فی بن گیا نا اور فی میں دونوں فی یہاں پر دو فی ہیں ایک فی جو ہے وہ حرف جر ہے ایک فی پہلے والا جو ہے وہ حرف جر ہے جملہ اسمیہ پھر جملہ فعلیہ اور پھر تیسرا جو ہے وہ جملہ اسمیہ وہ بھی اسمیہ اسمیہ الحل و تو مبتدا ہے اور فی زیدن جو ہے یہ اس کی خبر بنے گی ہم خبر کی قسمیں پڑھیں گے آگے چل کے کتنی صورتوں میں خبر آ سکتی ہے کوئی بھی ٹھیک ہے تو یہ پانچ اسماء ہیں ان کو کہتے ہیں اسماء خمسہ ان کا رفع جو ہے وہ واو کے ساتھ نظر آتا ہے اور نصب الف کے ساتھ نظر آتی ہے اور جر یا کے ساتھ قرآن سے کچھ مثالیں دیکھ لیجیے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بڑے فضل والا ہے مطلب نہیں بتایا آپ نے میں نے کہا تھا نرمی صحیح الحلوا میٹھا 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 حلوا میٹھا حلوا وہی ہے جو اس کو ہم حلوا کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ ذو الفضل العظیم اللہ بڑے فضل والا ہے تو ذو رفع کی حالت میں آ رہا ہے کیوں ذو یہاں پر رفع کی حالت میں کیوں آ رہا ہے جملہ اسمیہ کی وجہ سے کیا بن رہا ہے جملہ اسمیہ کا خبر بن رہی ہے خبر بن رہی ہے اللہ مبتدا ہے اور اللہ کیا ہے اللہ کو ذو الفضل فضل والا ہے اور فضل کیسا ہے الفضل العظیم کون سی جوڑی ہے الفضل العظیم تعلق کی صفت کی جوڑی صفت کی جوڑی ہوگی صفت جن لوگوں نے بولا جوڑی ہے جن جن لوگوں نے تعلق کی جوڑی بولا ہے الفضل العظیم کو نہیں کیا یہ ٹھیک بولا انہوں نے نہیں سر ان کو خود سمجھ آ گئی ہے کہ کہاں غلطی کی انہوں نے ال نہیں لگنا تھا ال نہیں لگنا تھا اچھا نصب کی حالت آیا قالو یا ذل قرنین یا ذل قرنین تو یا حرف ندا ہے ذل قرنین تو کون سی زبر سنگل زبر آ گئی کون سی ایسی صورت ہم نے پڑھی ہے کہ جہاں پر جس کو پکارا جائے وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے ابھی پچھلے لیسن میں پڑھ کے آئے ہیں پکارنے کے لیے جب کسی کو پکار رہے ہوں ایک بار اور جس کو پکار رہے ہوں وہ تعلق کی جوڑی ہو ایسے ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ یہ ذو الفضل جو ہے یہ بھی تعلق کی جوڑی ہے ذل قرنین یہ بھی تعلق کی جوڑی بن رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں نصب جو ہے وہ زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے اس نے کہا انہوں نے کہا ذل قرنین والقرآن للذکر اور نہیں والقرآن للذکر ذکر والے قرآن کی قسم نصیحت والے قرآن کی قسم واو یہاں پر قسم کا معنی دے رہے جر کیا رہا ہے ابو کی مثال وابونا شیخن کبیرن ابونا شیخن کبیرن تو ابو جو ہے یہ رفع کی حالت میں آ گیا اور ما کانا محمد ابا احد یا ابا نصب کی حالت میں کیوں آ رہا ہے خبر ہے کانا کی وجہ سے
काना की, काना के बाद क्या चीज इसम और खबर में से नसब की हालत में जाता है? खबर, काना की खबर, काना की खबर नसब की हालत में चली जाती है। तो काना का इसम यहाँ पर क्या है? मुहम्मदुन काना का इसम है, अबा जो है वो काना की खबर है। और तब्बत यदा अबी लहबिन, टूट गए दोनों हाथ, किसके दोनों हाथ? अबू लहब के दोनों हाथ। तो यहाँ ताल्लुक की जोड़ी बन गई, दूसरा इसम बनेगा यदा अबी। इसको अगर देखे ना तो ये दो ताल्लुक की जोड़ियां बन रही हैं। सर अभी से पहले कोई वो जार तो नहीं है? मैं वही बता रहा हूँ, कोई इसम जब जर की हालत में आता है तो उसकी दो वजूहात होती है ना, एक होता है हर्फ़े जर, वो नहीं है यहाँ पे। ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम, ये ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम बन रहा है। ये किसी का पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, काइंडली अपने माइक देख लें, अगर अनवांटेड अगर ओपन है तो उसको बंद कर लें। अच्छा, जार किसी इसम के जर के हालत में होने की दो वजूहात हमने पढ़ी है बेसिक बुनियादी तौर पर, या तो उससे पहले हर्फ जर होगा और या क्या होगा, ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम, ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम होगा। तो अभी को हम कह रहे हैं कि ये जर की हालत है, इससे पहले कोई हर्फ जर नजर आ रहा है? नहीं। तो डेफिनेटली ये ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम है। यदा अभी एक जोड़ी बनेगी, अभी लहब दूसरी बनेगी, ये दो जोड़ी। यदा अभी एक जोड़ी और अभी लहब दूसरी जोड़ी। अभी लहब का माना, लहब कहते हैं शोले को, तो अभी लहब शोले का बाप, और यदा कहते हैं दो हाथों को, तो शोले का चले इसको का को मैं क्या कर दूं, शोले के बाप के दो हाथ, लफ्जी तर्जुमा कर लें, फिर हम इसको आगे जाकर कहते हैं कि अभी लहब। अब चूंकि उस शख्स का एक मारूफ नाम है तो इसलिए हम अभी लहब का तर्जुमा अभी लहब ही करते हैं। तो अभी लहब के दो हाथ, अभी लहब के दो हाथ। तो ये जो का के की का तर्जुमा बताया था ये आता है ताल्लुक की जोड़ी में। उर्दू में तर्जुमा करते वक्त हम इससे भी हिंट ले सकते हैं कि यहाँ पर ये ताल्लुक की जोड़ी बन रही है। तो ये अबा और अभी की मिसालें, अखू की मिसालें कुरान से, काला इन्नी अना अखू का, अना अखू का, मैं तुम्हारा भाई हूं। तो अना हो गया मुब्तदा और अखू का खबर की जगह पे आ रहा है। अखा सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारूना, फिर हमने भेजा, अरसलना मूसा, फिर हमने भेजा मूसा को, और किसको, किसको का जवाब नसब में आता है तो अखाहु नसब में आ गया उसके भाई को हारून को। अखी वाउहैना इला मूसा व अखीहि, और हमने वही की मूसा की तरफ और उसके भाई की तरफ, मूसा और उसके भाई की तरफ। फू जो है वो रफा की हालत में कुरान में नहीं आया, नसब की हालत में आया है। कबासिति कफ़ैहि इलल माई लियबलुगा फाहु, जैसे कोई शख्स अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए हो कि वो पानी खुद उसके मुंह तक पहुंचाए। ये आई थिंक मुनाफिकीन की मिसाल अल्लाह ने बयान की है यहाँ पर, कि वो ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, बस वो ये चाहते हैं कि जो भी कोई मिलना है हमें, हमें बस खुद आ जाए हमारे मुंह में, ठीक है। तो लिया बलूगा, ताकि वो पहुंच जाए कहां, फाहू उसके मुंह में। तो ये फाहू जो है ये वही है जो फूहू फाहू फी ही, इस अंदाज से ये, और फी भी जो है ये जर की हालत में भी कुरान में नहीं आया, और हमू हमा हमी इसका अल्फाज कुरान में इस्तेमाल नहीं हुए, ये लफ्ज कुरान में नहीं आया, इसलिए कुरान से कोई मिसाल हमें नहीं मिल गई। तो इसके साथ हमारा लेसन कंप्लीट हो गया जी, टाइम हम कोई 10 मिनट ऊपर चले गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमने बीच में थोड़ा सा मगरिब का टाइम आगे पीछे होने की वजह से हम थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं आजकल। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम थोड़ी मजीद बात करेंगे, अस्माए खमसा के बारे में, इसकी कुछ शराइत हैं,
कि अस्माए खमसा का ये वाला जो हालत हमने पढ़ी है रफा नसब और जर की, कि रफा वाओ के साथ, नसब अलिफ के साथ और जर या के साथ आती है, इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं, कि उन कंडीशंस के साथ अगर ये यूज हो रहे होंगे तो तब ऐसा होगा, अगर वो कंडीशंस नहीं होंगी तो फिर डिफरेंट हो सकता है। वो कंडीशंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो उस क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने बात पढ़ी है इसमें से अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो अगले 5 मिनट हम मजीद ले लेते हैं, अगर कोई सवाल करना चाहे तो, अदरवाइज आप लोग कह सकते हैं कि हम जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो सवाल हाथ उठाकर किया जा सकता है। आई एम हियर फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। ओके जी, तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने समझने गौर व फिक्र और अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।